हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू एन एकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी ठीक है ना? हेलो। अभी ठीक है। अरे तो बोलना चाहिए ना। उपमा अलंकार में बात कर रहे हो? गुड मॉर्निंग। अच्छा बोला था, एक बोल रहा ट्रेन आ गई, एक बोल रहा लैंड हो रहा है। मैं हो क्या रहा है ये? बेचारी विद्या को कोई सीरियस लेता नहीं है। चलिए, सो दिस इज द फोर्थ मैराथन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। दो लेक्चर और होंगे तो 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जैसी चीज़ हम लोग 6 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि इसके पहले मॉडर्न हिस्ट्री बहुत लंबा चलता था, बहुत लंबा चलता है। थोड़ा सा हम लोग उसको समराइज करके कर रहे हैं। आफ्टर हम लोग 2 लेक्चर में पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, आज़ादी के बाद का जो भारत है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो आपका TAT सीरीज है, इसके अंदर जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनकी एक समरी में लेके आऊंगा। मतलब एक बहुत बेसिक समरी आपको होगी कि इनके टाइम पे क्या 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 इवेंट आपको हुए, तो वहां से आपको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिर कुछ एक कांग्रेस के सेशन वगैरह की एक से समरी, जैसे 2-3 समरी में बनाऊंगा और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है मॉडर्न हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन इस बार आएंगे ही आएंगे, है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है, और भी लोगों को लग रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है ना। मतलब इस बार ये समझिएगा कि एंशंट और मिडिवल या मॉडर्न, ये 2 से क्वेश्चन आ सकते हैं। एंशंट से आना तय है, स्पेशली आप ट्राइब्स को बहुत अच्छे से पढ़ लो, है ना? ट्राइब्स हो गए या ट्राइबल संबंधित जो चीजें हो गई उनको बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ट्राइब्स के क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन आप पकड़ के चलो ट्राइब के, या हो सकता है 3 भी क्वेश्चन ट्राइब के आ जाए, तो ट्राइब्स के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो पत्र पत्रिका बुक हिस्ट्री सब सब बना दे बेटा। हाँ और क्या, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ आपको है, ठीक है? चलिए, और इस बार की जो सारथी मैगजीन होगी वो थोड़ी सी लेट आएगी, लेकिन लेट आएगी लेकिन ई एडिशन आएगा। उसमें लगभग लगभग सभी यूनिट्स का एक समरी है, पूरी 10 यूनिट में से मतलब 6-7 यूनिट का एक समरी टाइप, उसके अंदर एक बहुत बेसिक समरी टेबल टाइप आपको होगा ताकि आप रिवाइज कर सकें। तो वो रिविजन के लिए आएगी, वो थोड़ा सा लेट आएगी, 15 तक आएगी, और उसका ई एडिशन आएगा इस बार। तो वो हम कर रहे हैं प्रिपेयर, उसमें बहुत टाइम लग रहा है, बट वो आपको लास्ट टाइम पे जो रिविजन होता है ना उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट आपको रहेगा।
उसके अलावा अभी आई प्लान की कुछ रिवीजन क्लासेस, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट हैं, जैसे यूनिट नंबर 135, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 9, और हाँ तो हाँ यूनिट नंबर 6, तो जिन यूनिट्स का मैं रिवीजन करवा सकता हूँ फटाफट क्विक रिवीजन, तो ये 5-6 यूनिट का रिवीजन तो क्विक रिवीजन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो वो एक दिन का एक रिवीजन आपको होगा, आई विल ट्राई कि 10 कर लें, बट थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी इनमें टाइम लगता है, तो उनमें थोड़ा हार्ड में डालना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये 6 यूनिट जो है इनका मैं क्विक रिविजन करा दूंगा आपको, है ना। बाकी जो 4 यूनिट है उनके ऊपर आप खुद फोकस करें, ये 6 में कराऊंगा, ये भी आपको करना है, लेकिन बाकी यूनिट्स है उनका भी फटाफट आपको रिविजन आपको कर लेना है ना। अब वो लास्ट रैपअप वाला टाइम आ गया है कि फटाफट फटाफट रिवाइज करना है ना। तो चलिए सबसे पहले अनअकैडमी के ऑफर के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। अनअकैडमी एमबीपीएससी कैटेगरी अब हो चुकी है मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम, ठीक है। उसी के साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफर चल रहा है अनअकैडमी का, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको मिल रहा है 40% का ऑफ, 40% का ऑफ। 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो मिलता है 8,096 रुपये में, वही सब्सक्रिप्शन मतलब 12,000 का मिलता है वही आपको मिल रहा है 8,096 में। 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो मिलता है 18,149 में, ये सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 11,616 रुपीज़ में। तो काफी ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इसके लिए सिंपली आपको जो कोड है पवन लाइव, इस कोड का यूज करना है, फिर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 40% डिस्काउंट ऑन द प्लस क्लासेस। उसके अलावा एमपी टेट वर्ग एक का कोर्स शुरू हो चुका है जिसकी क्लासेस कल से शुरू होने वाली है, मैं उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है। देखो मुझे पता है कि आप लोग तो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको टेट से क्या ही करना, ठीक है, लेकिन अगर आप 2023 2024 में मतलब अगला अगले साल मेंस देने वाले हैं, अगले साल प्री दोगे, अगले साल मेंस दोगे, तो फिर प्रिपेयरिंग फॉर 2023, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024, देन आपको डिटेल में इकोनॉमिक्स जो है यहाँ पर आपको पढ़ना, बहुत डिटेल में आपको इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। उससे आपको बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट है, बेसिक इकोनॉमिक के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा आपके कोई भी दोस्त रिश्तेदार फ्रेंड्स वगैरह कोई भी हो जो टेट की तैयारी कर रहे हो, उनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो, तो उन तक ये मैसेज कन्वे कर दें, या मैं इसका एक पोस्ट बना के दूंगा, उसको आप एटलीस्ट आपके स्टेटस में शेयर कर लें, ताकि आसपास कोई भी व्यक्ति हो उसको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए, या आपके पहचान वाले कोई टीचर हो, जो स्कूल टीचर हो, वर्ग एक वर्ग दो वर्ग किसी में भी, वर्ग दो तीन किसी में भी, उनको दे दें और उनको थोड़ा बोल दें कि सर इसको प्लीज थोड़ा अपने स्टेटस में लगा लो, ताकि वो मैसेज कन्वे हो जाए वहाँ पे, क्योंकि एक टीचर के स्टेटस और 100 टीचर देखेंगे, तो वैसा करना है। चलो ओके, उसका जीत की रणनीति करके यहाँ पर आपको बैच है, तो हाँ भाई बाकी लोग कर ही रहे हैं तैयारी अच्छे से, है ना, बाकी लोगों ने मेंस की तैयारी, प्री की तैयारी सबकी कर रखे हैं, ठीक है। तो चलिए ओके, उसके बाद जीत की रणनीति करके एक बैच है, 30 डे का एक रिविजन बैच आ रहा है। उसके बाद कई सारे बैच कोर्सेज और भी आपको आ गए हैं, 6 अप्रैल को एक ऑलरेडी विजय पथ करके सीरीज, ऐसे कई सारे कोर्सेज अभी आ चुके हैं, और इन कोर्सेज के माध्यम से आप अपना पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन के परचेज करो, एमपीपीएससी व्यापम तमाम एग्जाम्स जो है तमाम एग्जाम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग 1857 से, 1857 की क्रांति से, और आज के लेक्चर में हम लोग 1857 से लेके तो तकरीबन तकरीबन आपका लॉर्ड डफरिन तक का जो समय है वहां तक की हम लोग बात करेंगे, मतलब 1857 से लेके तो 1885 तक का जो समय, जब लॉर्ड डफरिन थे और जब कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तमाम चीजें वहां तक हम लोग बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, और कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है, बट आई थिंक कि नहीं, थोड़ा सा उसको पहले से आपको देखना चाहिए, है ना, थोड़ा पीछे से उसको कंप्लीट करना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, ये 1857 के महासमर की। ये एक ऐसा रिवोल्ट था भारत के अंदर जिसने पूरी दुनिया को, या कम से कम ब्रिटिश इंडिया को और ब्रिटेन को, इनको एक तरह से हिला के यहाँ पर आपको रख दिया, कि उन्होंने सोचा नहीं था कि भारत के लोग इतना बड़ा विद्रोह, इतना बड़ा रिवोल्ट आपको कर सकते हैं। बस ये रिवोल्ट थोड़ा सा अगर चैनलाइज हो जाता ना, थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से एक अरेंजमेंट करके यहाँ पर आपको कर लेते, तो 100% सक्सेस यहाँ पर आपको तय थी, अंग्रेज 1857 में आपको खत्म हो जाते। लेकिन वही कुछ मीर जाफर, कुछ जयचंद जो है वो होते ही होते हैं, तो बस वही कुछ मीर जाफरों के कारण 1857 का जो रिवोल्ट है वो रिवोल्ट यहाँ पर आपको अनसक्सेसफुल हो गया, या ये बोलना कि अनसक्सेसफुल हो गया थोड़ा सा गलत होगा, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों का एक बहुत ज्यादा ब्रूटल जो इम्पैक्ट है उनके ऊपर छोड़ा। और अंग्रेजों की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, वो हम नहीं करते, अंग्रेज हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। उन्हें देखा कि क्या क्या कारण से ये रिवोल्ट हुआ था, उस कारण को ना तुरंत सुधारा, ताकि आगे ऐसा रिवोल्ट यहाँ पर आपको नहीं हो। चलिए ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 57 की क्रांति में एक्चुअली हुआ क्या। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि लॉर्ड डलहौजी हैं, तो
वो भारत के गवर्नर जनरल थे 1856 तक, 1856 तक। उसके बाद 1856 के अंदर ही डलहौजी रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग आपको आते हैं। अब देखो डलहौजी का जो भी नीति था, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था या हड़प नीति जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हड़प नीति का जो पॉलिसी था वो थोड़ा सा एक रीजन था कि राजाओं के बीच या लोगों के बीच में असंतोष है, असंतोष आपको फैल गया, तो वो एक इकलौता रीजन नहीं था, वो एक सबसे बड़ा एक राजनीतिक कारण था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। भैया उनकी सत्ता चली गई, अब किसी की सत्ता अगर चली जाएगी तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति फिर से अपनी सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई लड़ेगा। अब हो तो चुका है सब कुछ, है ना, तो ऐसे बोला है ना कि कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ऐसे व्यक्ति के 9 ग्रह बलवान होते हैं तो ना लड़ लेंगे और क्या करेंगे। तो उन लोगों ने यहाँ पर आपको एक बड़ा रिवोल्ट आपको किया। तो 57 के अंदर या 56 के अंदर जब कैनिंग आए तो उस समय उनको ये थोड़ा बहुत ये चीजें लगी यहाँ पे कि भाई इस तरह से यहाँ पे इशू आपको क्रिएट हो सकता है, ये हो सकता है, और उसको लेके यहाँ से जो रिवोल्ट है वो रिवोल्ट की यहाँ पर आपको शुरुआत हो गई। ठीक है, अब देखो रिवोल्ट को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से आपको देखा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अर्ल स्टैनली नाम के और टी आर होम्स थे, इन्होंने उसको म्यूटिनी बोला, क्योंकि विद्रोह किसने किया था, ये विद्रोह किया था सैनिकों ने, सोल्जर्स ने किया था, ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर्स थे, और उसके बाद कुछ गिने चुने हमारे लीडर्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया था, तो उन्होंने म्यूटिनी की थी, उन्होंने रिवोल्ट आपको किया था, तो इनका बोलना दिस इज द म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब विद्रोह है। फिर टी आर होम्स बोलता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, मतलब हम बार्बरिक हैं, हम वो हैं क्या बोलते हैं कि जंगली हैं और वो सिविलाइज हैं, तो सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म के अंदर लड़ाई हो गई वाले टी आर होम्स। फिर सर जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर, इन्होंने बोला इट्स अ हिंदू मुस्लिम कंस्पिरेसी अगेंस्ट द क्रिश्चियन, है ना, क्योंकि हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्रिश्चियंस के खिलाफ यहाँ पे कंस्पिरेसी कर दी, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर दिया। फिर बेंजामिन डिसराइल है, उन्होंने बोला दिस इज नेशनल रिवोल्ट, ये उस समय पे वहाँ पे विपक्ष में थे, मतलब ये वहाँ के राहुल गांधी थे उस समय पे ब्रिटेन के, तो इन्होंने बोला इट्स अ नेशनल रिवोल्ट, लोगों ने विद्रोह कर दिया सरकार के खिलाफ, सरकार की आलोचना करने के लिए। वी डी सावरकर ने पहली बार बोला इट्स इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, इवन आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में भी यही लिखा है इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, तो इसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है और एमपीपीएससी भी यही लिखता है। अब तो ज्यादा धीरे धीरे स्टैब्लिश हो चुका फैक्ट कि हाँ इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आरसू मजूमदार ने बोला इट्स नाइदर वॉर नॉर इंडिपेंडेंस, न ये युद्ध है न स्वतंत्रता की लड़ाई है, ये बस एक सोल्जर का डिसकंटेंट है, उनका एग्रेशन है जो यहाँ पर आपको बाहर आ रहा है। ठीक है, फिर जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने यहाँ पर आपको लिखा, उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम था असबाब बगावत हिंद, इस किताब इस पूरी को स्टडी किया उन्होंने, किताब लिखी असबाब बगावत हिंद, और उसमें उसने लिखा बड़ा एक सटीक कारण उन्होंने यहाँ पर आपको लिखा, और वो कारण उन्होंने यहाँ पर ये लिखा कि भारत के अंदर जो सरकार है, गवर्नमेंट है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी मतलब गवर्नमेंट दिस इज अ गवर्नमेंट एंड दिस इज जनरल लेमन आम लोग हैं, तो आम लोग और जनता के बीच में एक एक ब्रिज की कमी, एक पॉलिटिकल पार्टी की कमी है जो उनके बीच में ब्रिज का काम आपको करती है। क्या बोला, देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी व्हिच कुड हैव वर्क एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, आम लोग और जनता के बीच में काम करने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी आपको नहीं है। ठीक है, जैसे अभी के टाइम पर राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी को लगता नहीं मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे या उनके खिलाफ कांग्रेस के साथ आपको देंगे, किसी को लग रहा है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो बीजेपी का साथ आपको देंगे, यहाँ पे कि नहीं मोदी जी अच्छा कर रहे हैं अब की बार फिर से मोदी सरकार ऐसे करके करेंगे, तो यहाँ पर लोगों का जो गुस्सा है, अब देखो पॉलिटिकल पार्टी से क्या होगा यहाँ पे कि अब लोगों का जो गुस्सा है, अब वो लोग अपना गुस्सा किसको बोलेंगे, अपने प्रतिनिधि को बताएंगे, और प्रतिनिधि अपनी बात यहाँ पर आपको रखेगा। गवर्नमेंट को अगर कुछ करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या लोग परेशान कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बोलेगी कि भाई इनको समझाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो एक कहीं ना कहीं जनता और सरकार के बीच में बफर के रूप में काम करती है, अदरवाइज क्या करेगी, गवर्नमेंट जाके सीधा आम लोगों पे अटैक कर देगी, हमला कर देगी। तो एक बहुत सटीक अनुमान जो है सर सैयद अहमद खान ने लगाया, जो आगे जाके जिन्होंने आपका जो एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज या बोलते हैं एंग्लो आपका अलीगढ़ मुस्लिम एएमयू है उसके फाउंडर थे, ही वॉज ऑल्सो द डिप्टी गवर्नर डिप्टी मजिस्ट्रेट इन द ब्रिटिश, डिप्टी कलेक्टर थे मजा या डिप्टी मजिस्ट्रेट की बात हो गई इन द ब्रिटिश अम्पायर, और मतलब उन्होंने स्पेशली उस समय पे मुस्लिम धर्म के सुधार के लिए, उनके एजुकेशन रिफॉर्म के लिए बहुत काम किया। इनको लोग तरजीह देते नहीं, लोग जिन्ना 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 करते हैं, सर सैयद अहमद खान के बारे में कोई बात नहीं करता जिन्होंने इतना समाज के अंदर बदलाव लाने की यहाँ पर आपको कोशिश करी। खैर सबकी अपनी अपनी राजनीति है पर, हाँ हाँ बिल्कुल एएमयू वाले, ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी राजनीति है, उस राजनीति के चक्कर में कई सारे ऐसे लोग छूट जाते हैं जिनका नाम भी नहीं पता होता। चलिए ओके, अब रिवोल्ट के कारण क्या थे, अब रिवोल्ट के बहुत सारे कारण थे, एक तो कुछ आपको इकोनॉमिक रीजन थे, आर्थिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ सामाजिक आर्थिक कारण थे, कुछ मिलिट्री कानून थे और कुछ तात्कालिक कारण थे, तो पांच अलग अलग कारण में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं।
सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक रीजन की हम लोग बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि इकोनॉमिक रीजन के अंदर कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से क्या हुआ कि हमारा जो इंडस्ट्री थी, उद्योग था, उद्योग आपको बंद हो गया था। हमारा उद्योग कैसे था, वी आर द डिसेंट्रलाइज इन इंडस्ट्री। जैसे महात्मा गांधी भी स्वराज की बात करते थे, तो स्वराज की बात इसीलिए करते थे क्योंकि उनको पूरा हिस्ट्री पता था उस चीज का। हमारे यहाँ पे क्या था कि गाँव अपने आप में आत्मनिर्भर हुआ करते। एक गाँव के अंदर क्या था, एक जुलाहा था, एक कारपेंटर था, एक मोची था, एक ब्राह्मण था, एक कोई और व्यक्ति ऐसा था। तो गांव अपने आप में आत्मनिर्भर थे, एक दूसरे की चीजों से वहां पे काम चल जाता था। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस पूरा मेंटेन था गांव के अंदर। बड़े बड़े जो आपके बोलते हैं ना कि कुटीर उद्योग थे या आपके कॉटेज इंडस्ट्री आपको थी। अब ये क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया है ना, कॉटेज इंडस्ट्री जहाँ पर कपड़े वगैरह बनाए जाते, तो अंग्रेजों ने उसको पूरा खत्म कर दिया। क्या किया, वो विदेशों से कपड़ा मांगने लग गए, वहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, तो वहां से चीजें भारत में इम्पोर्ट करने लग गए, हमारे यहाँ से कच्चा माल कॉटन वगैरह ले जाने लग गए, वहां से कच्चा माल या वहां से जो कपड़ा है वो कपड़ा बना के आपको भारत आने लग गया। तो वो कपड़ा इतना सस्ता था कि भारत का जो जुलाहा है वो जिस रेट में कपड़े को बनाता था, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, वो मशीन से बना के इंडिया में इम्पोर्ट करके उससे सस्ते में बेच देते थे। जैसे 10 रुपए अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो वही शर्ट 6 रुपए में अंग्रेज यहाँ पर आपको बेच रहे हैं। अब बेचारा इंडियन व्यक्ति कैसे काम करेगा, तो हमारी लोकल इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो गई। कई सारे लोग थे जो आपके आपके तलवार या इस प्रकार की जो चीजें हैं, बंदूकें वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आपको बनाते थे, मतलब एक तरह से आर्टिलरी उनका काम आपको करते। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज जो आर्टिलरी का काम करते थे, उनके साथ क्या हुआ कि राजा के दरबार खत्म हो गए तो आर्टिलरी भी खत्म हो गई। कई सारे हजारों लाखों लोग राजा के दरबारों में काम करते थे या राजा के दरबारों के मंत्रियों के लिए काम करते थे। राजा का एक वो मंत्री मंत्रालय है, राजा का एक पूरा कोर्ट है, उस कोर्ट में 50-100 लोग काम करते हैं, उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अब उनके ऊपर बाकी लोग डिपेंडेंट है, इकोनॉमिक का बेसिक स्टेटस आप समझो कि वो उनके ऊपर डिपेंड है। 100 लोग अगर काम करते हैं तो उन 100 लोगों के ऊपर 1 लाख लोग और डिपेंडेंट है कि वो राजा के मंत्री को ये चाहिए वो चाहिए, उसके बच्चे को कपड़े चाहिए, उसके बच्चे को खिलौने चाहिए, तो वो सब लोग प्रोवाइड करते थे। तो उससे पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम आपको बना था, वो तो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, वो बना हुआ था। लेकिन राजा खत्म हो गए तो वो चीजें भी आपको खत्म हो गई। उसके बाद ये अपना खुद का जो बोलते हैं ना कि अपना जो सेटलमेंट सिस्टम है, या बोल सकते हैं रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम लेके आए, रैयत परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी। अब ये सेटलमेंट जब लिया, यहाँ पर टैक्स रेट बहुत ज्यादा था, 1/3, कहीं 2/3, कहीं हाफ, अलग अलग यहाँ पर आपको होता। अब ये कहीं ना कहीं राजाओं के कंपेरिजन में, पहले के कंपेरिजन में टैक्स ज्यादा था तो कर ज्यादा था। उस समय पे बंगाल वगैरह के अंदर जो फेमाइन है, या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं फेमाइन को, आपका जो अरे हिंदी में क्या बोलते हैं मैं इनको, अकाल है, तो अकाल वगैरह की कंडीशन आपको ज्यादा ज्यादा अकाल वगैरह यहाँ पर आपको आता था। ठीक है, तो अकाल की कंडीशन होती तो किसान टैक्स नहीं दे पाता, अब ये जबरदस्ती टैक्स वसूल करते थे, तो एक तरह से रेवेन्यू सेटलमेंट बड़ा परेशान करते कि टैक्स दे नहीं पा रहे। टैक्स देने के लिए जमींदार से वो साहूकार से उधार लेना पड़ रहा है, और साहूकार फिर 50% से लेकर 500% तक टैक्स उस पर इंटरेस्ट लगाता था, तो वही कर्ज के चक्र में फंस जाते थे, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते थे। ठीक है, उसके बाद जो ये चीजें आपको हो गई, उसके बाद जो कि लोकल इंडस्ट्री आपको खत्म हो गई, यानी ये तमाम चीजें आपको हो गई, तो उसके कारण जो है इकोनॉमिक आर्थिक, हमारी जो आर्थिक गतिविधियां थी वो पूरी तरह से खत्म आपको कर दी उन्होंने। पूरा 100 साल के अंदर, 1757 की प्लासी के बैटल के बाद 100 साल में पूरा इकोनॉमिक स्टेटस उन्होंने ढहा दिया है ना। शशि थरूर की किताब है द एरा ऑफ डार्कनेस, उसमें वो उन्होंने लिखा है कि एट द टाइम ऑफ औरंगजेब वी कॉन्ट्रीब्यूट 24% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, विश्व के व्यापार में, विश्व के ट्रेड में हम लोग 24% यहाँ पर आपको आपको ट्रेड कर, 24% हम लोग प्रोवाइड करते, मतलब 24% हम लोगों का कंट्रीब्यूशन था, और वो अभी घट के 2% हो गया, तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन आपको हो गया। तो कैसे डिक्लाइन हो गया, वो यही कारण थे, आर्थिक नीतियां इनकी थी, इन्होंने खत्म कर दिया। ओके, उसके बाद जो जमींदार हैं, जमींदारों के इशू यहाँ पर आपको थे, पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर आपको चला गया, हम यहाँ से जो रॉ मटेरियल है रॉ मटेरियल बाहर भेजते थे। उसके बाद राजनीतिक जो कारण थे, पॉलिटिकल रीजन थे, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रीजन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राजाओं को धीरे धीरे राजाओं को खत्म कर दिया, राजाओं को एंड कर दिया, राजाओं के जिन राजाओं के बच्चे नहीं थे उन राजाओं को अपने साथ, या अपने उन स्टेट को अपने साथ मिला लिया, या उनको स्टेट मेंटेन है लेकिन अपने लोगों को वहां पर आपको बैठा लिया है ना। उसकी स्टार्टिंग की उन्होंने सतारा के साथ में, ना महाराष्ट्र में है सतारा, तो सतारा के अंदर स्पेशली जो शिवाजी राजे की फैमिली के लोग थे उनका स्टेट उन्होंने खत्म कर दिया, जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, तमाम स्टेट उन्होंने आपको खत्म कर दिए। और उनका रीजन क्या था, वही कि इन पे कैप्चर करना, क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, तो इन सभी स्टेट के राजाओं को खत्म कर दिया। ऑब्वियस ये बात, यहाँ के लोग, यहाँ की सेना जो बची हुई है वो यहाँ पर आपको विद्रोह करेंगे, किसी का लीगल हेयर एक्सेप्ट नहीं किया। अगर जैसे अवध का लीगल हेयर था, कानूनी उत्तराधिकारी था, अवध में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बहाना बनाया कि अरे यहाँ तो मिस गवर्नमेंट है, मिस गवर्नेंस है, ऐसे करके उन्होंने कैप्चर आपको कर लिया। ठीक
ठीक है। उसके बाद जो जो मुगल थे, अब मुगल में आप देखोगे ना तो मुगल्स में ऑलरेडी उनको शाह आलम सेकंड से उनको पेंशन दे रखी थी, तो मुगल तो एकदम कमजोर यहाँ पर आपको हो गए। इवन उन्होंने 1856 में कैनिंग ने आने के बाद ये आदेश निकाला कि जो मुगल एम्परर, अभी तक सिक्कों के ऊपर मुगल एम्परर होते थे बहादुर शाह जफर या जो भी मुगल एम्परर है, तो अब सिक्कों के ऊपर बहादुर शाह जफर सेकंड जो है उनका नाम नहीं होगा। उसके बाद इन लोगों को लाल किला छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इनका साम्राज्य कहाँ था, लाल किले में था बस। तो 1857 के अंदर अंग्रेजों की, ये मुगलों की ये हालत थी कि वो सिर्फ लाल किले तक थे, लाल किले के बाहर जो चांदनी चौक है ना वहां तक भी इनका साम्राज्य नहीं था, तो वो सिर्फ लाल किले तक आपको कैद थे। और अब बोलना था कि भाई तुम लाल किला छोड़ दो, लाल किला छोड़ के तुमको मेहरौली में जगह देते रहने के लिए, वहां पर रहेगा। और बहादुर शाह जफर के बाद अगला जो 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 भी अगला उसका जो वारिस होगा वो एम्परर होगा ही नहीं, उसको प्रिंस बोला जाएगा, उसको राजकुमार बोला जाएगा। और इन्होंने बहादुर शाह जफर के 12 लड़कों की हत्या कर दी, 12 जो उसके लड़के थे उनकी कहीं कैनिंग ने कहीं किसी ने करके तो इनकी हत्या करवा दी। तो एक तरीके से उनका पूरा जो फैमिली है वो पूरा फैमिली यहाँ पर आपको खत्म हो गया, कोई बचा ही नहीं उनके पास में, ठीक है। उसके तो ये बड़ा प्रॉब्लम आपको हुआ। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था अवध का, जो मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि भैया अवध के अंदर जो है मुगल की ब्रिटिश की सेना के 1/3 जो सैनिक थे वो अवध के थे, और जब इन्होंने अवध को कैप्चर किया तो सैनिक और विद्रोही यहाँ पर आपको हो गए कि भैया एक तो राजा के लिए सिंपैथी, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है कि उनकी जो फैमिलीज वहाँ पर रहती अवध में, तो उनको ब्रिटिशर्स वाला टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो उसके कारण वो लोग और परेशान हो गए कि हमको ज्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके कारण वो लोग और प्रॉब्लम में आपको आ गए। तो उन्होंने जो अवध है, तो अवध वाला जो रीजन है पूरा, ये बड़ा विद्रोहित हो गया, यहाँ के सैनिक विद्रोह में सबसे ज्यादा शामिल थे बंगाल और अवध के दोनों रीजन के, ठीक है। उसके बाद कई सारे प्रशासनिक कारण थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण थे, कि जैसा लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर बताया था कि उन्होंने प्रॉपर तरह से एक थाना सिस्टम, दरोगा वगैरह गाँव में स्टैब्लिश किया। अब वो उन्होंने एक व्यक्ति वहां तो बैठा दिया, उस पर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, वो व्यक्ति कर रहा है खतरनाक वाला करप्शन, भ्रष्टाचार कर रहा है। फिर इन्होंने 1835 में इंग्लिश जो है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, आधिकारिक भाषा बना दिया। अब जब अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया गया तो उससे क्या प्रभाव पड़ा, उससे ये प्रभाव पड़ा कि उससे जो भी अशरफ्स थे, अशरफ्स मतलब अंग्रेजों के कोर्ट में या ब्रिटिश के कोर्ट में जो लोग काम करते थे, जो फारसी से हिंदी में या हिंद फारसी से इंग्लिश में अनुवाद करते थे, उन लोगों का काम खत्म हो गया, वो राजाओं के दरबार में थे, अब काम खत्म हो गया, अब वो लोग बेरोजगार हो गए, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, उन्होंने एक तरह से रिवोल्ट यहाँ पर आपको कर दिया, ठीक है। तो ये समस्या उसके अंदर आपको, ये कई सारे प्रशासनिक कारण थे। उसके बाद जो आपका जो 1853 का कानून था, उस कानून में बोला गया था कि भैया भारतीयों को मेरिट के आधार पर सरकार में शामिल किया जाएगा, गवर्नमेंट में शामिल किया जाएगा, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसको स्पेशली जो टी बी मैकॉले थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो उन्होंने खत्म कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इनको कोई पोस्ट वगैरह नहीं मिलेगी, तो उसको उन्होंने ठंडे बस्ते में आपको डाल दिया। एंड अंग्रेजों ने कई सारे रिफॉर्म किए, जैसे एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन के लिए कलकत्ता मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी आपको खोली, लेकिन लोगों को कोई मतलब नहीं था। तुमने हमारे राजाओं को हटा दिया, वो एक बड़ा कारण था, या तुमने हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया, वो एक बड़ा कारण था, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा कारण था नाना साहब पेशवा वाला रीजन आपको हो गया, और कहीं ना कहीं कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मेन रीजन यहीं से आपको निकल के आया। अब जो नाना साहब पेशवा थे, ये कौन थे, नाना साहब पेशवा ही वॉज द अडोप्टेड सन ऑफ द, जो पहले पेशवा थे तो उनके अडोप्टेड सन थे, या अब इनको इन्होंने पेंशन देना बंद कर दिया, यानी क्योंकि इनको भी रिटायर करते हैं, और इनको रिटायर करके इन्होंने बोला कि तुम बिठूर में बैठो, बिठूर कानपुर के पास जगह है वहां पर आपको बैठो, और इनको उन्होंने सैलरी देना या इनको पेंशन बंद कर दिया कि तुम तो उनके अडोप्टेड सन हो, तुमको काहे की पेंशन, तो इनको पेंशन नहीं दी। और उसके बाद इन्होंने ये ब्रिटेन गए, स्पेशली इन्होंने अपने, इनका जो प्राइम मिनिस्टर थे अजीमुल्ला खान, इनको उन्होंने ब्रिटेन भेजा, और ब्रिटेन भेज के वहाँ के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि इनका पेंशन फिर से स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो उसके कारण जितने बाकी जो मराठास थे, दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग कि नहीं, हमको नाना साहब का जो अधिकार है, अधिकार फिर से चाहिए, तो ये एक बड़ा कारण था। उसके बाद कई सारे सामाजिक आर्थिक कारण थे। पहला आर्थिक कारण, सामाजिक आर्थिक कारण था कि इन्होंने जो 1813 का जो एक्ट आया था उसमें जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, इन मिशनरीज को अधिकार दिया कि आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। अब ये इनका जो सबसे सॉफ्ट टारगेट था, तो उन्होंने सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट चुने, सबसे सॉफ्ट टारगेट था सोल्जर्स, जो अंग्रेजों की सेना के अंदर जो सोल्जर्स हुआ करते थे, बैरक्स के अंदर सोल्जर रहते थे, उन सोल्जर्स को जाके इन्होंने जो क्रिश्चियनिटी है वो प्रीच करना शुरू कर दी। सैनिक भड़क गए कि भैया कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, ये तो हमको हमारे धर्म से अलग कर रही है, कि हमको हमारे जो रिलीजन है वो रिलीजन से यहाँ पर आपको अलग कर रही है। तो उनका बोलना था कि हमको हमारे रिलीजन से भड़काया जा रहा है, तो लोग और भड़क गए, और कुछ लोग कन्वर्ट भी हो गए, तो बोले रिलीजन से यहाँ पर आपको भड़का रहा है। तो सोल्जर्स के बाद जो ट्राइबल लोग थे,
या जो लोग ऐसे लोग थे जो मार्जिनलाइज क्लास के लोग थे, ट्राइबल्स थे, तो ट्राइबल्स को उन्होंने टारगेट किया, ट्राइबल लोगों को जाके कन्वर्ट करना शुरू किया। देखो ना पूरा नॉर्थ ईस्ट इन्होंने क्रिश्चियन में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। अभी वो मणिपुर में इशू आपको हो रहा है, और वहां पर जो वहां की जो मेन कम्युनिटी है मणिपुर में, तो वो देवर द क्रिश्चियंस, और वो चाहते हैं कि जो हिंदू मेती कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन ना मिले, तो वो एक बड़ा इशू वहां पर आपको हो रहा है, वो एक बड़ा प्रॉब्लम वहां पर आपको क्रिएट हो रहा है। तो ये अंग्रेजों की देन है, अभी तक आपको सामने आपको आ रही है। उसके बाद एक कानून लेके आया, उस कानून का नाम था रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, या उसको लॉक्सी कानून कहा जाता था। अब इसमें क्या था, देखो कि हिंदू जो धर्मशास्त्र है उसके अकॉर्डिंग क्लियर उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी अगर हिंदू व्यक्ति अगर अपना धर्म परिवर्तित करेगा, अपना रिलीजन चेंज करेगा या अपने पंथ को बदलेगा, तो उसको अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा, पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ये लिखा हुआ, ये हमारे हिंदू टेक्स्ट में या कई सारे अलग अलग जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर एक ये प्रॉपर एक कंसेप्ट आपको था। बट हुआ क्या, यहाँ पे उन्होंने एक रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट लेके आया कि कोई भी कानून या कोई भी धार्मिक कानून, कोई भी इस तरह का जो कानून है, वो किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति से बाहर नहीं कर सकता, अपनी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। अगर वो धर्म परिवर्तित करता भी है तो भी उसको संपत्ति का सेम अधिकार मिलेगा जो पहले आपको मिलता था। तो यहाँ से लोग बोले, अब ये कारण था कि भाई धर्म परिवर्तन नहीं करते थे, वो कारण उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसके पहले उन्होंने सती अबोलेशन किया। अब बोलोगे सर कि ये तो अच्छी बात है, अभी के समय से अच्छी बात है, लेकिन उस समय के लोगों को लगा कि यार ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं, आपके धर्म के अंदर चेंज आपको कर रहे हैं या धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये सती प्रथा खत्म करना तो गलत बात यहाँ पे हो गई। तो उसका भी गुस्सा था कुछ लोगों के अंदर। फिर विडो रिमैरिज, विधवा पुनर्विवाह, तो विधवा पुनर्विवाह करके एक बड़ा बड़ा पुराना कंसेप्ट है भारत के अंदर कि विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होगा, वो संत के रूप में या वो ऐसे पूरी जिंदगी अकेली यहाँ पर आपको रहेंगी। तो कुछ लोगों को लगता था कि उनको अकेले रहना चाहिए। तो विडो रिमैरिज जब कानून आया 1856 में, दयानंद सरस्वती ने बहुत मदद, बहुत कोशिश की, जब जाके आया तो वो विडो रिमैरिज जो एक्ट था 1856 का, इसका विरोध यहाँ पर आपको होने लग गया। तो ये कारण आपको हो गया। फिर वुमेन एजुकेशन स्टार्ट हुई, तो कुछ लोगों को उससे भी पेट में दर्द कि महिलाओं को शिक्षा क्यों दे रही है, यानी क्यों दिया जा रहा है यहाँ पे। तो ये सब कारण यहाँ पर आपको हुए, और जिसके कारण क्या हुआ कि सामाजिक स्तर पे भी लोगों ने यहाँ पर आपको विद्रोह किया। कोई भी आंदोलन तब सक्सेस होता है जब सामाजिक स्तर पे या आम जनता उसमें पार्टिसिपेट करती है। अब यहाँ पे आम जनता भी विद्रोही थे, 57 के बैटल में आम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, आम लोगों ने सैनिकों की बाकी लोगों की भरपूर आपको मदद की। फिर कई सारे मिलिट्री कॉजेस थे, मिलिट्री के कारण थे। सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री का कारण था कि भारतीय सोल्जर जो सेना में थे, अब देखो कोई भी ग्रामीण व्यक्ति सेना में क्यों जाता था उस समय, क्योंकि उसको ये नहीं था कि ब्रिटिश अंपायर की तरफ प्रति लॉयल है या मैं लॉयल्टी रहेगी या द लॉन्ग लिव द क्वीन करने नहीं जाता था, वो जाता था पैसे के लिए, खाने के लिए, यानी कि वहां पे काम करेगा तो 2-4 रुपए जो भी सैलरी मिलेगी उससे उसका घर परिवार आपको चल जाएगा। तो इसलिए बेचारा वो व्यक्ति जो है वो नौकरी करने के जाता था, लेकिन वहां पर होता था डिस्क्रिमिनेशन, इंडियन लोगों के साथ में बड़ा बुरा बर्ताव किया जाता था। जो विदेश अधिकारी हैं वो तो सीधे गालियों से बात यहाँ पर आपको करते थे। ठीक है, उसके बाद इन लोगों को अपने खाने का पैसा, अपने कपड़े धोना सब कुछ, तो खाना लॉन्ड्री सबको इनको खुद को करना पड़ता था। उसके बाद ये लोग अपने जो रिलीजियस सिंबल जो है, कोई भी जैसे कोई टोपी लगा रहा है, कोई तिलक पहन रहा है, कोई दाढ़ी रख रहा है, तो ये सब चीजें भी अलाउ नहीं थी उसके अंदर। ठीक है, तो कई सारी प्रॉब्लम थी। फिर जब आपके अवध को जब खत्म किया, वाजिद अली शाह को जब पद से हटाया, तो बंगाल के और अवध के सैनिक वैसे ही और नाराज यहाँ पर आपको हो गए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक कानून यहाँ पर आपको ये था कि पहले क्या था कि एक बहुत ही बेसिक सिस्टम यहाँ पर आपको था, और सिस्टम ये था भारतीय समाज में कि कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र क्रॉस करके जाएगा, कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र क्रॉस करेगा तो उसको धर्म से बाहर या उसको समाज से बाहर कर दिया जाएगा। तो समुद्र लांगना वो एक तरीके से एक वो माना जाता था कि एक गलत बात है, कोई व्यक्ति समुद्र क्रॉस करके गया तो उसकी जाति खत्म हो गई, उसका वो एक तरह से अछूत हो गया। तो कई सारे ऐसे इंडियन सोल्जर्स थे जो इधर बर्मा की तरफ लड़ने गए, तो ऑब्वियसली बात बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके गए होंगे, या वो लोग उधर अफगानिस्तान लड़ने गए तो अफगानिस्तान लड़ने के लिए इंडस क्रॉस करके अफगानिस्तान लड़ने यहाँ पर गए, डायरेक्ट लैंड से नहीं गए। तो जब उन्होंने समुद्र क्रॉस किया तो माना गया कि अरे ये तो अछूत हो गया। अब जो भी ऐसे सोल्जर्स थे जो इधर बर्मा में या उधर अफगानिस्तान लड़ने गए थे, उन सोल्जर्स को बोला उनकी फैमिलीज को कि तुम गाँव के बाहर रहो, तो उनके घर गांव के बाहर बनवा दिए, उनको गांव में घुसने नहीं दिया, उनसे सब लोगों ने संबंध खत्म कर दिए। तो ये वो सामाजिक समस्या थी। ये पता किस देश में हो रहा है, ये उस देश में हो रहा है जहां पर भगवान रामचंद्र जी आपके आपका जो इंडियन ओशन है उसको क्रॉस, पाक स्टेट जो है उसको क्रॉस, समुद्र को क्रॉस करके लंका गए, अपनी पत्नी को वहां से रावण से युद्ध लड़के छुड़वा के लेके आए। उस देश के अंदर समुद्र क्रॉस करने से जाति बाहर हो गई, तो मतलब लॉजिक सोचते ही नहीं थे लोग उस समय पे।
एक बड़ा प्रॉब्लम था, लोग बड़े परेशान थे। फिर एक कानून आया, उसका नाम था जनरल सर्विस आपका एनलिस्टमेंट एक्ट आया। अब इस एक्ट के अंदर आपको क्या था, इस एक्ट में ये बोला गया कि भारतीय सोल्जर ने मना कर दिया कि हम लोग बाहर लड़ने नहीं जाएंगे, इंडिया के बाहर नहीं जाएंगे, तो अभी क्या करेंगे? तो इंडिया के बाहर लड़ने नहीं जाएंगे तो उनके ऊपर कानून या लागू कर दिया कि जहां पर ब्रिटिश सरकार बोलेगी पूरी दुनिया में, वहां पर जाके तुमको लड़ाई लड़ना पड़ेगी, वहां पर जाके युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो ये दुनिया में कहीं भी जाने के लिए मजबूर आपको हो गए। डबल बट्टा इनका, पहले ही खत्म कर दिया तो सैनिकों में विद्रोह होता, ठीक है, इनके अंदर आपको रिवोल्ट हो गया। फिर एक जो इमीडिएट कारण था, वो इमीडिएट कारण यहाँ पर ये था कि कुछ जो बंगाल के सोल्जर थे, तो बंगाल और अवध के जो सोल्जर्स थे, स्पेशली जो मेरठ के सोल्जर आपको यहाँ गए थे, तो मेरठ के अंदर जो बंगाल आर्मी थी, वहाँ के सोल्जर किसी काम से बंगाल गए, मतलब कलकत्ता यहाँ पे गए। अब वहां पर जब गए तो उन सैनिकों को भूख लगी, तो उन्होंने बोला कि यहाँ खाना खा लो। बोले अरे नहीं, तुम तो अछूत हो, और अछूतों के मतलब कोई भी वहां पर रहा होगा ऐसा जाति के हिसाब से, तो बोला कि अछूतों के हाथ का खाना नहीं खाते हम लोग। तो उन्होंने वो हंसने लग गए, बोले हंस क्यों रहे हो? बोले अंग्रेज जो है वो तुमको गाय और सुअर का चर्बी खिला रहे हैं, और साथ में तुमको जानवरों की हड्डी चूरा करके खिला रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, और हम खाना खिला रहे हैं तो तुम्हारे लिए अछूत हो गया। अब ये बात जब उन्होंने सुनी तो उनको लगा पता नहीं क्या लफड़ा है। अब उस समय क्या हुआ था कि नई कारतूस आई थी, एक नई कारतूस, या बोलते हैं ना कि आजकल जो गोली होती है कारतूस बोलते हैं उसको, तो नई गोली आई थी। अभी क्या होता है, गोली को ऐसे डायरेक्ट लोड करते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या होता था कि गोली आती थी, उसको ऐसे चीरना पड़ता था, उसको बारूद बंदूक में भरना पड़ता था, फिर फायर करना पड़ता, तो वो तरीका होता था पूरा। अब ये बात फैल गई कि वो जो जो उसका काटने वाला जो पूरा पार्ट है, रैपर है उसका, उसके ऊपर गाय और सुअर का ग्रीस लगा, चर्बी यहाँ पर आपको लगी है। अब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर जो है वो मुसलमानों के लिए आपको हराम है, तो बोले अब ऐसे कैसे कर सकते हैं ये? तो उसके खिलाफ यहाँ पर आपको विद्रोह हो गया। ये जब बात पता चली, उसके बाद बोला कि जानवरों की हड्डियां हैं वो आटे में चूरा करके आपको खिला रहे, तो कुछ लोगों ने बोल दिया सही बात है, ऐसा यहाँ पर है। अब सोल्जर्स ने क्या बोला कि सोल्जर्स ने हम इस चीज को उपयोग नहीं करेंगे, है ना। जो रॉयल इनफील्ड राइफल थी, उस इनफील्ड राइफल को P-1853 उसको बोला जाता था, इसको हम लोग यहाँ पर आपको यूज आपको नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरठ की 16th क्वीन रॉयल राइफल जो बटालियन थी, उस रॉयल बटालियन ने इसका उपयोग करने से मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज, हम इसको नहीं काट के उपयोग नहीं करेंगे। जब ये किया तो 89 सोल्जर्स को पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया, 89 सोल्जर्स को, कि तुम हमारे आदेश की अवहेलना यहाँ पर आपको कर रहे हो। तो 89 सोल्जर्स को पकड़ के जेल में बंद कर दिया मेरठ के अंदर। अब उसके बाद यहाँ पर एक सोल्जर आए, उनका नाम था मंगल पांडे। अब मंगल पांडे ने यहाँ पर आपको बोला कि भाई क्या बात है? तो बोले ऐसा ऐसा है। बोले मैं यूज करूंगा। तो उन्होंने अंग्रेज अधिकारी से पूछा कि क्या इसमें ऐसा कुछ है? बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो उसने यूज किया, फिर बाद में कुछ लोगों ने सिद्ध कर दिया कि नहीं सच में ऐसा था, और वहां से मंगल पांडे ने ही स्टार्टेड द रिवोल्ट। पहला विद्रोह मंगल पांडे ने किया कि तुमने झूठ बोला, और सबसे पहला जो रिवोल्यूशनरी मानते हैं ही वॉज द मंगल पांडे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट करा, और वहां से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ जो अंग्रेजों की जड़ें उखाड़ दी उन्होंने। तो हाँ बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है, चलिए। तो ओके, तो ये उस समय का इमीडिएट कारण यहाँ पर आपको बना। अब इन लोगों ने क्या किया कि रिवोल्ट कर दिया। अब रिवोल्ट का तरीका ये था कि धीरे धीरे जो सोल्जर्स हैं उनके बीच में डिसकंटेंट बढ़ता गया कि विद्रोह करना है। फिर ये बात उन्होंने उन राजाओं तक पहुंचाई जो अंग्रेजों वैसे ही बिखरे हुए थे, अंग्रेजों से वैसे ही नाराज थे, तो उन राजाओं तक जानकारी आपको पहुंची कि ऐसा कोई रिवोल्ट वगैरह आपको होने वाला है। अब इसके लिए क्या हुआ कि इसके लिए उन्होंने दो तीन तरीके यहाँ पे चुने। पहला तरीका चुना कि कमल का जो फूल है वो गाँव गाँव यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दूसरा तरीका उन्होंने आपको चुना कि गाँव के अंदर चपाती डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। एक गाँव में चपाती बनाई गई, चपाती बना के दूसरे गाँव में दी, दूसरे गाँव में उससे कई गुना ज्यादा चपाती बना के, फिर तीसरे गाँव में, फिर चौथे गाँव में, ऐसे गाँव गाँव जगह जगह चपाती चपाती रोटी जो होती है रोटी बना बना के यहाँ पर आपको भेजी गई। रोटी इज अ सिंबल, कि ये हमारे रोटी सिंबल एक तरीके से आपको हो गया कि ये तरीका है। तो जिस गांव ने ज्यादा चपाती बना के दे दी, मतलब वो गांव के रिवोल्ट के अंदर आपको तैयार है, विद्रोह में आपको तैयार है, और अंदर ही चीजें यहाँ पर आपको चल रही है। सबसे पहले नोटिस किया गुड़गांव के जो मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने नोटिस किया कि अननेसेसरी तरीके से चपातियां बना बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके अंदर कोई मैसेज कोई कुछ नहीं। उसके बाद नरसिंहपुर के जो डिप्टी कलेक्टर थे, तो उन्होंने भी ये रिपोर्ट आपको किया अंग्रेज सरकार को, ये कि रोटी वोटी बना के ऐसे भेज रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अब एक अंग्रेज अधिकारी, उसका बोलना यहाँ पर आपको होता है कि अरे ये लोग कुछ कुछ करते रहते हैं, ऐसे होता है ना अपने यहाँ कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो बोलिए कुछ 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 ऐसे सोशल इवेंट करते रहते हैं, इसमें ये लोग ऐसे ट्रांसफर ये ऐसे इधर बना के भेजते रहते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कर होते रहता है इनके अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो बोले ठीक है यार, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन उन्होंने उस समय पे इसको
नोटिस कर लिया था। फिर कमल का फूल भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो जो गांव में ज्यादा चपाती बना के देगा वो गांव उसके अंदर आपको शामिल है। ऐसे करते 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 6-7 महीने में पूरे देश में खबर पहुंच गई कि हाँ कोई विद्रोह वगैरह कोई भी ऐसी घटना यहाँ पर आपको होने वाली है। और उसके बाद फाइनली 9 मार्च 1857 को उन्होंने जब मना किया तो उनको गिरफ्तार किया। और उसके बाद जो कमांडर इन चीफ यहाँ पर आपको होते हैं तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि इसको यूज करना, पहले बोला कंपलसरी है और उसके बाद उन्होंने उसका यूज करने से कि अब इसको कोई यूज नहीं करेगा। तो 23 मार्च 1857 को इसका यूज करने से मना भी कर दिया। जनरल आपका क्रेग एंसन करके एक अधिकारी थे कमांडर इन चीफ से ब्रिटिश आर्मी के, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन तब तक तो विद्रोह यहाँ पर आपको फैल ही चुका था। 23 मार्च की खबर जब तक पहुंचती तब तक 29 मार्च को विद्रोह हो चुका था। 29 मार्च को मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे ने उसको यूज करने से मना किया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आपको विद्रोह कर दिया। और जैसे ही विद्रोह यहाँ पर आपको किया, मंगल पांडे को सजा दी गई। उन्होंने एक्चुअली उनके जो सर्जेंट अधिकारी थे जेम्स ह्यूसम, तो जेम्स ह्यूसम की उन्होंने यहाँ पर आपको सर्जेंट जो मेजर है, एक पद होता सर्जेंट मेजर था जेम्स ह्यूसम, उसकी उन्होंने पकड़ के हत्या कर दी, उसको मार दिया। और उसके इल्जाम में इनको फिर 6 या 8 अप्रैल, दो अलग अलग डेट आती है 1857 को, इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। इनको पकड़ के जेल में आपको कैद कर, मतलब इनको पहले बंद किया और उसके बाद इनको एक तरीके से जो है इनको फांसी यहाँ पर आपको दे दी गई। ठीक है, तो ये पहली फांसी दी गई 6 या 8 अप्रैल को। उसके बाद 11 अप्रैल को एक और ब्रिटिश सोल्जर थे, उनका नाम था इसुरल पांडे, इन्होंने भी उपयोग करने से मना किया, इनको भी पकड़ के यहाँ पर आपको फांसी यहाँ पर आपको दे दी गई। तो इन दोनों लोगों को आपको फांसी दे दी गई। और उसके बाद फिर देखा कि इन लोगों ने यहाँ पर आपको विद्रोह कर दिया। आज एक बड़ी, आज की जो तारीख है, आज क्या है, आज 9 मई है, तो 9 मई और 10 मई की रात को ही ये विद्रोह हुआ था ना। ये एक कोइंसिडेंट की यहाँ पर आपको बात है कि हम उसी तारीख को पढ़ रहे हैं। 9 मई और 10 मई की जो रात है, उस रात के दरमियान अंग्रेजों ने यहाँ पर, भारतीय सैनिक ने यहाँ पर आपको विद्रोह कर दिया। अब जब ये हुआ कि उन सोल्जर्स को अरेस्ट किया, तो जो सोल्जर्स को अरेस्ट किया गया था उन सोल्जर्स ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया। मतलब ये हो गया कि 9 और 10 मई की रात को जो है, और जो सोल्जर्स थे जेलों में बंद, जिनको उन्होंने कारतूस नहीं यूज करने पर अरेस्ट किया गया था, उनको पकड़ के उन्होंने छुड़वा दिया। और उन सैनिकों ने यहाँ पर 9-10 मई की जो रात है, इस रात को यहाँ पर आपको विद्रोह की स्टार्टिंग यहाँ पर आपको कर दी। और यहाँ से विद्रोह करके ये लोग यहाँ से निकल गए आपके मेरठ की तरफ, मेरठ के अंदर विद्रोह किया। तो पहला रिवोल्ट हुआ मेरठ के अंदर। अब मैंने आपको बताया कि लॉर्ड डलहौजी जो थे, डलहौजी ने अपना जो आर्टिलरी था वो आर्टिलरी कलकत्ता से मेरठ के अंदर आपको शिफ्ट कर दिया। तो मेरठ के अंदर वैसी आर्टिलरी बहुत थी, इन्होंने उनकी आर्टिलरीज पे हमला किया, आर्टिलरीज लूट ली और वहां से उन्होंने नारा लगाया कि दिल्ली चलो। अब दिल्ली क्यों जा रहे, क्योंकि दिल्ली में मुगल एम्परर है बहादुर शाह जफर सेकंड। अब वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रिवोल्ट को लीड कर सकते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं, वो 80-85 साल के बूढ़े व्यक्ति हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो खुद खड़े नहीं हो सकते। बट ये था कि कोई ना कोई लीडर तो चाहिए। तो ये मेरठ से दिल्ली आए, कुछ 80-90 किलोमीटर है मेरठ से दिल्ली, वो वहां से रात को निकले। और वहां से निकल के इन्होंने 11 मई को वहां पर आपको पहुंचे। और मेरठ से रास्ते में जितनी भी अंग्रेज की छावनी अगर आई, जो भी अंग्रेजों की एस्टेब्लिशमेंट आपको आए, उन सब चीजों को उन्होंने खत्म करते हुए, उनको एंड करते हुए वो पहुंच जाते हैं आपके मेरठ। हाँ, वो 9-10 की रात को यहाँ पर स्टार्ट हुआ। नहीं, बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता है। ठीक है, तो 9 मई 10 मई की रात को वहां से आपको निकले। और वो फिर अब वो डेट 10-11 दोनों बताई जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा इट्स 9th ऑफ मई जहाँ पे स्टार्ट हुआ था। कुछ किताबों में 10th ऑफ मई लिखा हुआ है कि 10 मई 11 मई, कहीं 9 मई 10 मई, तो वो एक्चुअली 9 मई और 10 मई की रात यहाँ पे थी। तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा लगाया और दिल्ली चलो का नारा लगा के इन्होंने विद्रोह किया। देखो, तो दिल्ली चलो का नारा दो लोगों ने लगाया था, एक लगाया था इन सैनिकों ने, दूसरा लगाया था जो इंडियन नेशनल आर्मी है, आजाद हिंद फौज है, आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे। तो वहां पर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको चार्ज किया और बोला दिल्ली चलो, तो वो दिल्ली चलो का दूसरा नारा, और वो सेम इवेंट उन्होंने बोला कि वहां पर भी नारा लगा था, यहाँ पर भी सेम नारा लगा है। अब ये यहाँ से रिवोल्ट करके ये पहुंच जाते दिल्ली, और दिल्ली पहुंचते तो जितने भी अंग्रेज अधिकारी रास्ते में मिलते सबको मारते हुए ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली में पहुंचते हैं लाल किले में। लाल किला द प्लेस इज कॉल, जो वो जगह है जहाँ पे लाल किला है उसको बोलते हैं शाहजहानाबाद। तो शाहजहां ने उसको बसाया था, उसलिए उसका नाम था शाहजहानाबाद। तो ये शाहजहानाबाद यहाँ पर आपको पहुंचते हैं, और यहाँ पर पहुंच के लाल किले में पहुंच जाते हैं। अब लाल किले में अंदर प्रवेश करना बड़ी मुश्किल काम है, तो वहां पर ये लोग क्या करते हैं कि वहां पर एंट्री करने के लिए बोल देंगे तो वो मना कर देते हैं, तो सोल्जर के नहीं, किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। इस दौरान जो बहादुर शाह जफर की जो वाइफ थी, उनका नाम था जीनत महल, तो वो क्या अपने रसोइयों को बोलती है कि पीछे का गेट खोल दो। तो पीछे का जो गेट है, एक आगे फ्रंट में लाहौरी गेट है, दूसरा जो जहां पर ये बना हुआ है क्या बोलते हैं राजघाट बना हुआ है, तो राजघाट वाली साइड थी वहां का जो बैकडोर था
वो बैकडोर ओपन किया, और बैकडोर ओपन करके हजारों सैनिक जो है वो लाल किले के अंदर यहाँ पर आपको घुस गए, और उन्होंने यहाँ पर आके बहादुर शाह जफर हैं इनको डिक्लेयर कर दिया यू आर द एम्परर, या आप हमारे एम्परर या हमारे राजा हो, और आपके अंतर्गत या आपकी जो छत्र छाया है उसमें हम लोग यहाँ पर रिवोल्ट लड़ेंगे, क्योंकि रिवोल्ट के लिए एक लीडर होना जरूरी है ना। लीडर होना यहाँ पर आपको जरूरी है, तो वो लीडर कौन थे? वो लीडर बहादुर शाह जफर यहाँ पर आपको देखिए भाई, इनको लीडर डिक्लेयर किया, और इनको लीडर डिक्लेयर करके सेना से युद्ध करना शुरू कर दिया। अब जफर का एक बेटा था, उसका नाम था मिर्जा जहीरुद्दीन। अब ये भाई ऐसा था जिसने कभी अपनी जिंदगी में बंदूक न चलाई, जिसने कभी बंदूक न उठाई होगी, इसको इनको वहां के आर्मी का अपना कमांडर डिक्लेयर करना पड़ा क्योंकि राजा का बेटा है, बट उसको एक्सपीरियंस नहीं था। तो बाद में अल्टीमेटली मोहम्मद बख्तावर खान जो बरेली के थे, ही वॉज द मेन कमांडर इन चीफ उनकी सेना के, और इन्होंने यहाँ पर जो विद्रोह है, इन्होंने विद्रोह के यहाँ पर आपको कमान संभाली। अब देखो ये सैनिक यहाँ घुस तो गए, अब ये सैनिक थे इनको कोई ज्यादा दरबार के एटिकेट्स वगैरह नहीं पता था, तो ये राजा इनसे डरा हुआ था, ये राजा से डरे हुए थे, है ना, कि अब राजा जो था वो अंदर अंदर राजा अंग्रेजों के सपोर्ट में था, राजा के हाथ में कुछ था नहीं, हजारों सैनिक है, इनको मना कर दिया कि नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तो इनको पकड़ के मार देंगे। इसमें बड़ा एक बहुत ही एक फेमस वो है, एक फेमस इमेज है जिसमें वो एक अंग्रेज अधिकारी बहादुर शाह जफर की दाढ़ी खींच रहा है, तो उसको बोला कि दिस इज द एंड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, दिस इज द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर, वो ऐसे दाढ़ी खींच के उसको उतार रहा है, वो मिल जाएगा आपको नेट के ऊपर। तो मेरिट ही होगा ना। देखो जो बरकपुर था, बरकपुर के सैनिकों ने बोला कि हम लोग कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे, उन्होंने कारतूस के लिए मना किया और उसके बाद उनको जेल में बंद कर दिया, बरकपुर इज नियर द, उनको मेरठ की जेल में बंद कर दिया, और वहां से फिर मेरठ से ही रिवोल्ट आपको स्टार्ट हुआ। तो रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम द मेरठ, बरकपुर से स्टार्ट नहीं हुआ, उन्होंने मना किया था उसके लिए, है ना, तो उन्होंने हाँ, वो इमेज आपको मिलेगा, मैंने देखा था अभी 2-3 दिन पहले ही, मैं उसको कॉपी करना बोला, उसको डाउनलोड करना भूल गया, बड़ी शानदार इमेज है वो। दिखाता हूँ आपको मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये आपको दिख रहा होगा, ये है, और ये बहादुर शाह जफर का आखिरी फोटो है, अब्बा लेटे हुए हैं, बोलो, और हमारी मूवी में मुगल एम्परर कैसा दिखाया जाता है, ऋतिक रोशन, एक्चुअल में ये ऐसे दिखते थे, ठीक है। तो साइड में डाला था मैंने, हाँ डाला था, ठीक है। अब देखो आप बॉलीवुड का करिश्मा, हाँ हुक्का तो कंपलसरी है, मतलब सांस अंदर जा नहीं रही लेकिन हुक्का जरूरी है, वो हुक्का जरूरी है, हुक्के के बिना काम ही नहीं चलता था उनका, ठीक है। तो ये असलियत है भाई, क्या कर सकते हैं, ऋतिक रोशन बादशाह अकबर, खैर सीरियल में ऐसा उल्टा सीधा नहीं बना सकते, ठीक है, बट ये ठीक है। चलिए तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर आपको विद्रोह किया, अब जैसे ही विद्रोह किया, एक मिनट रुकना है ना,
कौन टाइम पास कर रहा है? अच्छा, बहादुर शाह जफर। हाँ ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको विद्रोह हुआ। अब जैसे ही विद्रोह हुआ तो इन्होंने पहले तो पूरा दिल्ली को यहाँ पर आपको कैप्चर कर लिया, और उसके बाद इन्होंने फिर सेनाएं भेजना शुरू कर दी पूरे देश से यहाँ पे दिल्ली में। अब दिल्ली से विद्रोह हुआ तो उन्होंने सबसे पहले 43rd जो क्वीन रेजिमेंट है उसको उन्होंने बोला कि भाई इसको कलकत्ता से यहाँ पर आपको भेजो। उसके बाद इन्होंने, उस समय टेलीग्राफ तो आ चुका था, तो उन्होंने लॉर्ड एल्फिंस्टन है इनको बॉम्बे और कलकत्ता अलग अलग जगह मैसेज भेजा। तो एल्फिंस्टन उस समय पे कलकत्ता के बॉम्बे के गवर्नर थे, उनको बोला कि भाई फटाफट सेना यहाँ पर आपको भेजो। तो धीरे धीरे इन्होंने, इनको अंदाजा हो गया था कि ये बहुत बड़ा रिवोल्ट होने वाला है, ये समझ चुके थे। इन्होंने अपनी तैयारी करना यहाँ पर आपको शुरू कर दी। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे 15-16 मई तक इन्होंने कई सारे अंग्रेज अधिकारी हैं उन अंग्रेज अधिकारियों को मारना, यहाँ पर मारना शुरू कर दिया। अब उस समय हमारी कैपिटल कहाँ थी? कलकत्ता में थी, तो यहाँ पे लिमिटेड अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर आपको थे, पूरा तो एरिया यहाँ पर आपको था नहीं। तो उन्होंने धीरे धीरे करके उनको मारना शुरू कर दिया। उन्होंने बहादुर शाह जफर के नाम के सिक्के जारी कर दिए, उनके तमाम नाम की चीजें हैं। जो सैनिक हैं वो बादशाह के नाम की वसूली करने के लिए शहरों में निकल गए, दिल्ली में आपको निकल गए कि जाओ बादशाह के नाम से पैसा यहाँ पर आपको चाहिए। ये चीजें हुई, तो ये धीरे धीरे रिवोल्ट आपको फैला। और उसके बाद रिवोल्ट अगले 1-1.5 महीने में पहुंच जाता है कानपुर, कानपुर लखनऊ आसपास के रीजन में रिवोल्ट आपको फैल जाता है। तो धीरे धीरे आसपास के एरिया में जो रिवोल्ट है वो स्प्रेड होने लग जाता है। अब एक इंसिडेंट हुआ कानपुर के अंदर, उसको कहा जाता है बीबीघर मैसेकर या सतीचूरा घाट हत्याकांड कहा जाता है, सतीचूरा घाट मैसेकर। अब ये इसमें दो चीजें यहाँ पर है, मैं फटाफट बता देता हूँ आपको, ठीक है? तो बहादुर शाह जफर को वही सब कर दिया उन्होंने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, कानपुर, कानपुर को CAWNPUR ऐसे लिखा जाता था। तो कानपुर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो नाना साहब पेशवा थे, तो कानपुर के पास में एक जगह थे बैठोर, वहां पे नाना साहब पेशवा थे। अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर दी, बोला अच्छा हमारी पेंशन बंद कर रहे हो, तेरे को बताते हैं। अब नाना साहब पेशवा बाहर से ये थे कि हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं ना, तो अंग्रेज तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं ऐसा बोल रहे थे। अब इन्होंने क्या किया कि बोले अब कानपुर में रिवोल्ट हो गया, तो नाना साहब पेशवा ने बोला कि कोई बात नहीं, उनका एक वहां पे बीबी घर बना हुआ था, बीबी घर मतलब वहां पर उनकी जो वाइफ वगैरह है वो रहती थी, तो उस घर में उन्होंने अंग्रेज अधिकारी उनके बच्चे बीबी वगैरह सबको उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि तुम लोग यहाँ पे इकट्ठा होके यहाँ पर बैठ जाओ। तो वो लोग वहाँ पे 200-300 लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए कि भाई कल से हमला वगैरह हो तो यहाँ पर हम लोग सेफ है। अब ये 200-250 लोग जब यहाँ पे इकट्ठा हुआ, उनके बीबी उनके बच्चे तमाम लोग, और अचानक से कुछ लोगों ने यहाँ पे हमला कर दिया। हमला करके उस पूरी बिल्डिंग को उन्होंने आग लगा दी, उसके दरवाजे बंद करके उसको आग लगा दिया। तो 200 से ज्यादा लोग जो हैं उसके अंदर यहाँ पर उनके बच्चे उनकी बीवियां वगैरह वो जल के वहीं पर आपको मर गए। तो इसका पूरा इल्जाम जो लगाया जाता है वो नाना साहेब पेशवा पे लगाया जाता है। अब इसका कोई दूसरा एविडेंस नहीं है, उसका कोई दूसरा एविडेंस नहीं। जब भी वो हम लोग जलियांवाला हत्याकांड की बात करते हैं, अंग्रेज सीधा बोलते हैं कि बीबीघर मैसेकर हुआ था या ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था उस समय पे सिराजुद्दौला के टाइम पे। इसका कोई सबूत नहीं है कि बीबीघर मैसेकर करके कोई भी घटना हुई थी वो जगह पे, कोई ऐसा सबूत नहीं कि ऐसा कोई मैसेकर यहाँ पे हुआ था, या तो उनको मारा गया जला के मारा गया, कोई सबूत नहीं है। अंग्रेजों ने स्टोरी यहाँ पे बना दी, बट ठीक है एक स्टोरी यहाँ पर है। और उसके बाद नाना साहब पेशवा यहाँ से भाग के नेपाल चले जाते हैं, और फिर वहां पर आपको नाना साहब पेशवा एक तरह से गायब हो जाते हैं, ठीक है? इवन 1 जुलाई को जो होलकर और सिंधिया होलकर वगैरह ने मिलके ये कोशिश की थी कि नाना साहेब पेशवा को फिर से गद्दी पर बैठाया जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल आपको नहीं हो पाया। वो घटना थी 1 जुलाई की। तो यहाँ पे विद्रोह हुआ, सेम विद्रोह हुआ आपके लखनऊ के अंदर। तो लखनऊ में आपके जो वाजिद अली शाह थे, उनकी जो बेगम थी, अब उनकी तो डेथ हो चुकी थी वाजिद अली शाह की, उनकी जो बेगम थी बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल ने आपको रिवोल्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने, इनका जो बेटा था मतलब बिजरस कादर, उसको उन्होंने यहाँ पर आपको राजा डिक्लेयर किया कि ये अगला राजा है, और इन्होंने यहाँ पर लखनऊ के अंदर यहाँ पर आपको रिवोल्ट कर दिया। फिर बाद में जाके कब हुआ, 4 जून 1857 को, 4th of June 1857 को यहाँ पर रिवोल्ट हुआ। और उसके बाद जो म्यूटिनियर सैनिक हैं तो उन्होंने फिर हेनरी लॉरेंस ने आके इस विद्रोह को यहाँ पर आपको शांत किया, ठीक है? तो ये एक बड़ा विद्रोह जो है वो विद्रोह यहाँ पे हुआ था। अब इस विद्रोह के बीच में अंग्रेजों ने अपना जो कमांडर इन चीफ है उसको चेंज कर दिया, कॉलिन कैम्बल को लाया गया, एंड ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, इनको अपॉइंट किया। और इन्होंने बड़े लेवल पे यहाँ पे रिवोल्ट को दबाना शुरू किया। और जो बेगम है हजरत महल वो भी यहाँ से नेपाल भाग जाती हैं, और वहां पर फिर 1879 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? उसके बाद जो बहादुर शाह जफर है इनको अंग्रेज यहाँ से जो है वो उधर आपके रंगून में डिपोर्ट कर देते हैं, और रंगून में ही उनकी डेथ हो जाती है। फिर बाद में जब रंगून में आपके क्या नाम है इनका, सुभाष चंद्र बोस जब रंगून गए थे, जब रंगून में वो थे, तो उस समय पे उन्होंने रंगून में, रंगून इज म्यांमार में आपको रंगून, तो उन्होंने रंगून के अंदर जाके बहादुर शाह जफर की जो समाधि थी
समाधि पे जाके उन्होंने फूल माला वगैरह यहाँ पर आपको चढ़ाई। तो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उनकी कब्र को यहाँ पर आपको ढूंढा और बोला कि हम लोग वापस वहां जा रहे हैं और वहां पर जाके आपकी जो अस्मिता है उसको वापस लेने के लिए। तो ऐसा करके वो फिर वहां पर जो रंगून है तो फिर रंगून से वहां पर आपको जाते हैं। तो वो डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपनी किताब में यहाँ पर आपको लिखा भी है, ऐसा चीजें वहां पर आपको हुआ था। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट वहां पर आपको हुआ था। उसके बाद बरेली में विद्रोह हुआ। बरेली के अंदर खान बहादुर खान, इन्होंने जो रोहिल्ला खंड के राजा के वंशज थे, इन्होंने आपको रिवोल्ट किया। ठीक है, उसके बाद बिहार में रिवोल्ट हुआ। तो बिहार के अंदर एक बूढ़े जमींदार थे कुंवर सिंह जगदीशपुर के, तो जगदीशपुर के बूढ़े कुंवर थे उनका नाम था आपका जगदीश कुंवर सिंह, है ना, जगदीश कुंवर जगदीश सिंह या जगदीश कुंवर सिंह, जो भी आप कुंवर सिंह बोलो आप। तो कुंवर सिंह ने यहाँ पर आपको विद्रोह किया। आरा नाम की जगह थी वहां पर थे ये बूढ़े जमींदार, थे 70-80 साल के। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया और 2 बार अंग्रेजों को इन्होंने वापस यहाँ पर आपको डिफीट करके भेज दिया। फिर अल्टीमेटली अंग्रेज बड़ी सेना के लेके आए और बिहार के इस एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर फैजाबाद में विद्रोह हुआ, वहां पर मौलवी अहमदुल्ला और जो मौलवी अहमदुल्ला थे फैजाबाद के, तो इन्होंने यहाँ पर आपको रिवोल्ट किया। और इन्होंने इवन मस्जिद के अंदर ढिंडोरा पीट के घोषणा की कि भाई रिवोल्ट आपको हो रहा है ना, कि मस्जिद के अंदर ऐसे ढिंडोरा पीटना या ढोल वगैरह पीटना ये अलाउ नहीं होता है ना। मस्जिद के सामने भी अगर कोई बारात निकल रही तो मस्जिद के सामने आके वो रुक जाती, वहां पर वो ढोल बाजे वगैरह नहीं बजाती है। बट उन्होंने वहां से ढिंडोरा पिटवा के ये घोषणा आपको की कि पूरे फैजाबाद में विद्रोह हो चुका है, सब लोग विद्रोह कर दो। तो विद्रोह के लिए उन्होंने लोगों को इंसाइट किया, उनको प्रोवोक किया, पूरे फैजाबाद के अंदर यहाँ पर आपको विद्रोह हो गया। फिर बाद में कॉलिन कैम्बेल ने उनको 2 बार लड़ाई लड़के कॉलिन कैम्बेल ने उनको पराजित किया। उनके ऊपर 50,000 सोने की मोहरों का इनाम रखा, 50,000 मोहरों का इनाम रखा गया। फिर बाद में इनको पकड़ के एक पविया के मतलब एक वहां पर राजा जगन्नाथ सिंह करके एक राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला या उनकी बगावत के कारण इनको पकड़ के फिर इनको यहाँ पर आपको खत्म कर दिया, या उनको एक तरीके से इनकी भी हत्या यहाँ पर आपको कर दी गई, तो इनकी भी बेचारे की हत्या हो गई। फिर पटना के अंदर रिवोल्ट हुआ। तो पटना के अंदर पीर अली और राजपूत राजा थे कुंवर सिंह, तो पीर अली और राजपूत राजा इन्होंने यहाँ पर आपको कुंवर करा। अब पीर अली बेसिकली है ना, ये बुक बाइंडर थे, बुक को बाइंड करके ऐसे बेचते थे, तो ये थे बुक बाइंडर। अब ये बुक ले जाते तो अब अंग्रेज पकड़ क्या ले जा रहा भाई, बोले किताब है देख लो, तो किताब के अंदर ये सीक्रेट मैसेज वगैरह लिख के ले जाना या उसके अंदर कोई भी हथियार वगैरह रख के ले जाना, तो ये काम वो बुक के अंदर यहाँ पर आपको करते थे। इवन जब अंग्रेज इनकी बुक्स पकड़ लेते कि बुक में मैसेज रखा है, मैसेज पकड़ लिया, तो एक आध बार जब मैसेज इनका पकड़ लिया तो इन्होंने क्या करा कि बुक में मैसेज को प्रिंट कर दिया, किताब के अंदर जिल्द करके उसको प्रिंट करके बोला फलाने नंबर पे मैसेज लिखा है उसको पढ़ लेना। तो ऐसे करके ये मैसेज ट्रांसफर करते थे। फिर बाद में जो पीर अली हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद असम में भी आपको रिवोल्ट हुआ। असम में भी दीवान जो थे वहां के, जो राजा के जो दीवान थे उनका नाम था दीवान मणिरम दत्ना, तो वहां के जो दीवान थे मणिरम दत्ना उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर आपको रिवोल्ट कर दिया 1857 में। और उसके बाद उनको बाद में अंग्रेजों ने पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। तो असम के अंदर दीवान बंदीराम दत्ता थे। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी रिवोल्ट हुआ, जैसे ग्वालियर में रिवोल्ट हुआ। ग्वालियर में रिवोल्ट किया झांसी की रानी ने, ना लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने, या मनु उनका नाम था, तो मनु ने रिवोल्ट किया विद द हेल्प ऑफ टाट्या टोपे। अब देखो टाट्या टोपे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब आपके जब सती चूरा जो इंसिडेंट हुआ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सतुजरा इंसिडेंट के लिए या बीबीगढ़ मैसेकर के लिए टाट्या टोपे वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो इनको फिर अंग्रेजों ने अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये यहाँ से आपको भाग जाते हैं, ये यहाँ से भाग के ब्रिटेन मतलब ये यहाँ से भाग जाते हैं, और ये यहाँ से भाग के चले जाते हैं आपके मतलब पहले बिठूर में थे वहां पर। इनको जब आपके नाना साहब पेशवा हैं इनको जब अरेस्ट किया गया और इनको अरेस्ट करके जब नेपाल भेज दिया गया, तो ये यहाँ से भाग जाते हैं, ये यहाँ से भाग के सेंट्रल इंडिया होते हुए पहुंच जाते हैं आपके आपके झांसी झांसी आ जाते हैं, ग्वालियर आ जाते हैं। और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जो है उनका उन्होंने युद्ध में पार्ट उनके साथ आपको इवेंट ये युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट किया। फिर रानी लक्ष्मीबाई जो है इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद ये अकेले रिवोल्ट करते हैं और अल्टीमेटली 1858 में इनको पकड़ के अंग्रेज फांसी पे आपको लटका देते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद मंदसौर में विद्रोह हुआ, तो मंदसौर के अंदर शहजादे जो फिरोज हैं इन्होंने विद्रोह किया, जो बहादुर शाह जफर का नाती था, तो इसने यहाँ पर आपको विद्रोह किया। ठीक है, ऐसे कई सारे विद्रोह यहाँ पे अलग अलग जगह पे आपको हुए। मध्य प्रदेश में पहला रिवोल्ट नीमच के अंदर हुआ, वहां पर एक अधिकारी थे अली बेग, उन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद इंदौर और इंदौर में विद्रोह हुआ, तो भागीरथ सलावट वंश गोपाल और इन लोगों ने विद्रोह किया। अभी रिसेंटली एक एमपी माया गोव ने एक इमेज सेव किया था, उसमें उनका बोलना कि जो भागीरथ सिलावट थे वो ट्राइबल पर्सनैलिटी, ये मुझे भी पहली बार पता चला।
तो उसके ऊपर मैं रिसर्च और देख रहा हूँ, कुछ मिल जाए कंटेंट तो उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वो तो ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल हुआ करता था भागीरथ सिलावट। तो भागीरथ सिलावट, वंश गोपाल और शहादत खान, इन्होंने इंदौर के अंदर आपको रिवोल्ट किया। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए बस बेसिक बेसिक नाम आपको बता रहा हूँ। नदी में हाथ कटाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अमझेरा में रिवोल्ट हुआ। तो अमझेरा के जो राजा थे बख्तावर सिंह, इन्होंने रिवोल्ट किया है ना। फिर धार के अंदर, धार की जो रानी थी द्रौपदी भाई, इन्होंने आपको रिवोल्ट किया, उनका एक बड़ा विद्रोह यहाँ पर आपको हुआ। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। जबलपुर के अंदर शंकर शाह और रघुनाथ शाह, इन्होंने रिवोल्ट किया। उसके बाद मंडला के अंदर जो अवंती बाई लोधी हैं, इन्होंने यहाँ पर आपको रिवोल्ट करा। तो भाई वो मुझे नहीं पता, लेकिन एमपी माय गोव ने यही दिया था, है ना। चलिए ओके। उसके बाद सीहोर के अंदर आपको रिवोल्ट हुआ। तो सीहोर के अंदर भी वहाँ के जो जो सिपाही बहादुर सरकार है, उसका एस्टेब्लिशमेंट आपको हुआ। और यहाँ पर जो महावीर कोता और वली शाह है, इन्होंने सीहोर के अंदर आपको रिवोल्ट किया। ओके, उसके बाद सागर में आपको रिवोल्ट हुआ। तो सागर के अंदर रमजान व दुलमे रमीर खान, इन्होंने रिवोल्ट किया। दमोह के अंदर भी रिवोल्ट हुआ, दमोह के अंदर वहां पे भी रिवोल्ट हुआ। किशोरी सिंह ने रिवोल्ट वहां पे रिवोल्ट किया। विजय राघवगढ़ कटनी के अंदर, यहाँ पर भी विद्रोह हुआ। तो यहाँ पर जो विजय राघवगढ़ के राजा थे ठाकुर सरजू प्रसाद, इन्होंने रिवोल्ट किया। और इनके बाद इनकी जो पत्नी थी ना आपके नैनी बाई, इन्होंने यहाँ पर युद्ध को यहाँ पर आपको कंटिन्यू यहाँ पे किया। फिर ये चीजें आपको हुई और धीरे धीरे करके उन्होंने रिवोल्ट यहाँ पर आपको सप्रेस कर दिया। अब देखो, मेरठ में रिवोल्ट हुआ तो बंगाल आर्मी ने रिवोल्ट किया। इस रिवोल्ट को समाप्त किया जनरल हैविट ने। उसके बाद दिल्ली में रिवोल्ट हुआ, तो दिल्ली के रिवोल्ट को जॉन निकल्सन और लेफ्टिनेंट हटसन, इन्होंने सप्रेस किया। फिर लखनऊ में रिवोल्ट हुआ, बेगम हजरत महल और सर कॉलिन कैम, उन्होंने रिवोल्ट किया, कॉलिन कैम्बेल ने उसको खत्म किया। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी एट दैट टाइम। फिर कानपुर में रिवोल्ट हुआ, नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, आपका अजीमुल्ला खान, सर कॉलिन कैम्बेल ने खत्म किया। झांसी और ग्वालियर का जो रिवोल्ट, इसको कैप्टन ह्यूज रोज, इन्होंने जाके इसको खत्म किया। फिर बरेली में खान बहादुर खान, जगदीशपुर में आपके महाराजा कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, पटना के अंदर मौलवी मौलवी पीर अली, इन तमाम लोगों ने ये रिवोल्ट यहाँ पर आपको किया। अब रिवोल्ट एक तरीके से अनसक्सेसफुल हो गया, अंग्रेजों ने पूरी तरीके से इसको यहाँ पर आपको सप्रेस कर दिया। और उसका कारण यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण आपको माना जाता है कि भाई अंग्रेजों ने मतलब एक तरह से उनके पास सेना ज्यादा थी, हमारे सैनिक कंबाइन नहीं थे। हमारे कई सारे जैसे रीवा के राजा हो गए, हमारे ओरछा के राजा हो गए, हमारे ये तमाम रीवा के राजा, ओरछा के राजा, सिंधिया हो गए, इन लोगों ने युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, युद्ध में भाग ही नहीं लिया। ऐसे देश भर में हजारों ऐसे राजा होंगे जिन्होंने युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद हमारी जो मिडिल क्लास थी भारत की, तो उस समय जो मिडिल क्लास विकसित हो रही थी, उस समय कोई मिडिल क्लास था नहीं भारत में, लेकिन उस समय मिडिल क्लास तो विकसित हो रही थी। तो उस मिडिल क्लास में, अच्छा सिलावट एससी में आते हैं, शर्मा किस में आते हैं? शर्मा किस में आते हैं? जनरल में आते हैं। अच्छा, चलो छोड़ो, क्या बोलूँ तुमको, मैं समझ नहीं तुमसे, तुमको समझाने का भी। ठीक है, तो इस प्रकार के कमेंट ना करो तो ज्यादा अच्छा है बेटा। हाँ, अपनी चिंता करो, पढ़ लो, है ना। तो ये कौन किस में आता है वगैरह वगैरह, ये ऐसी बातें क्लास में नहीं करना चाहिए बेटा। ठीक है, तो ठीक है, अब उसने दूसरे रिस्पेक्ट में बोला है, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। उसने मेरे मैंने बोला कि एसटी में आते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में उसने बोला है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो, जाति प्रथा हमको खत्म करनी है इस देश से, है ना। और वो कौन खत्म, हम ही खत्म कर सकेंगे। तो नहीं, वो तो सरकार ने बोला है भाई, सरकार ने बोला ट्राइबल, तो ट्राइबल सरकार खुद बोल रही है, तो तुम सरकार से ज्यादा जानते हो क्या। ठीक है, तो वो मैं बता कि माई गोव ने बताया था, तो मैं ये बोल रहा था कि उसको पढ़ लेना,
कि वो उनके बारे में रिसर्च करके थोड़ा देख लेना कि भागीरथ सिलावट ने क्या क्या चीजें और भी आपको की थी। मेरा पॉइंट उतना ही था बस। हाँ बस है ना। तो ये बेटा जातिवादी में ज्यादा जाना नहीं अपने को, है ना। चलिए अब ये चीजें हुई तो उन्होंने कारण देखा कि विद्रोह क्यों खत्म हुआ। अब राजाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, है ना। कोई इनका कंबाइंड नेता नहीं था, वो बहादुर शाह जफर को था। वो अब्बा वैसे ही वो खुद बुड्ढे हो गए, वो क्या ही मतलब, उनको खुद को चार लोग उठाने के लिए चाहिए, उनका हुक्का उठाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, ठीक है। तो वो तो धुआं भी नहीं खींच पाते, अब वो क्या ही हमको सपोर्ट करेंगे। तो इसके कारण ये रिवोल्ट है आपका अनसक्सेसफुल हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने समझा कि हाँ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि क्या कारण था कि ये चीजें आपको हुई। उन्होंने पूरा स्टडी यहाँ पर आपको किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने एक इसको बोलते हैं अलाहाबाद दरबार जो है, लॉर्ड कैनिंग है, तो उन्होंने अलाहाबाद दरबार लगाया और वहां पर उन्होंने ये घोषणा की कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य है या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो अब इंडिया में आपको एंड हो जाएगा, और इसकी जगह जो ब्रिटिश जो क्वीन है या ब्रिटिश ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, ये ब्रिटेन का डायरेक्ट रूल आपको, पहले कंपनी शासन कर रही थी, अब ब्रिटेन के राजा रानी यहाँ पे खुद, या ब्रिटेन यहाँ पे खुद शासन, डायरेक्ट कंट्रोल होगा भारत का। तो 1 नवंबर 1858 से इनका डायरेक्ट कंट्रोल आपको हो गया। अब इन्होंने जो चीजें सीखी, वो चीजें उन्होंने ये सीखी कि देखो हमने इनके कल्चर में हस्तक्षेप किया, धर्म के अंदर हस्तक्षेप किया, ये हम आगे से नहीं करेंगे, माफ हो कर दो गलती हो गई। फिर आगे से कोई भी एरिया एनेक्स नहीं करेंगे, अब बचा ही नहीं कुछ एनेक्स करने को, सब कुछ तो तुमने जीत लिया, अब कोई एरिया है ही नहीं जिसको तुम यहाँ पर आपको जीत सकते हो। फिर भी उन्होंने बोला कि हम लोग कोई भी एरिया जो है वो एरिया यहाँ पर आपको नहीं जीतेंगे, ठीक है। तो किसी एरिया पे कोई अटैक हम लोग नहीं करेंगे, तो दे सेट कि हम किसी एरिया पे कोई हमला यहाँ पे नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि कोई अटैक यहाँ पर आपको नहीं होगा किसी भी एरिया के ऊपर, मतलब आगे एनेक्स आपको नहीं करेंगे, इंडियन कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रीटीज थी उन ट्रीटीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और आगे से भारत के अंदर जो क्वीन विक्टोरिया है या वो ब्रिटिश जो क्राउन है, ये ब्रिटिश जो ताज है, उस ताज का शासन यहाँ पर भारत के अंदर यहाँ पर आपको होगा। फिर भारतीयों को और गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी में इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। उसके बाद वो तमाम लोग जिन्होंने क्रांति में पार्टिसिपेट किया था, एंड दोज हु आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द ब्रिटिश ब्रिटिश सब्जेक्ट, उन लोगों को माफी दे दी जाएगी जिन्होंने किसी की हत्या नहीं की है, तो उनको यहाँ पर आपको माफी दे दी जाएगी। और इस तरीके से उन्होंने एक नई घोषणा जारी की, इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारतीय लोगों के लिए एक मैग्ना कार्टा, पहला ऐसा कानून आया जहाँ पर अंग्रेज सरकार खुद डायरेक्टली यहाँ पर आपको इन्वॉल्व आपको हो गई, डायरेक्टली यहाँ पर आपको शामिल हो गई, ठीक है। तो ये चीजें उस समय आपको होती है। तो ये पूरा लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर आपको हुआ। अब क्या क्या चीजें हुई क्वेनिंग के टाइम पे, कैनिंग तो ऑलरेडी बेचारा आ चुका था, 57 की क्रांति इन्हीं के टाइम पर आपको हुई। उसके अलावा क्वीन विक्टोरिया का जो डिक्लेरेशन था वो डिक्लेरेशन इनके टाइम पर हुआ, और इस डिक्लेरेशन के आगे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 की जो जो वो था एक आदेश था 1858 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें क्लियरली लिखा था कि ब्रिटिश अंपायर अब डायरेक्टली यहाँ पर आपको रूल करेगा। पहली बार भारत में इनके टाइम पर बजट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि भाई बजट प्रणाली हम लोग लेके आएंगे, है ना, कि बजट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बजट पास किया जाएगा। फिर सिविल इंडियन सिविल सर्विस की स्टैब्लिशमेंट किया, भारतीय सिविल सेवा की स्थापना आपको की गई, है ना। उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट हुआ इनके टाइम पर 1859 1860 में, है ना, इंडिगो क्रांति है, बोलते हैं कि नील विद्रोह है। उसके बाद व्हाइट म्यूटिनी हुई 1859 में, एंड इट वाज द सेकंड व्हाइट म्यूटिनी, एक बार व्हाइट म्यूटिनी हुई थी 1769 में, 68-69 में, ये दूसरी व्हाइट म्यूटिनी थी, मतलब इनके खुद के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद इंडियन पिनल कोड आया 1860 में, भारतीय दंड संहिता, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय आपका जो विधानसभा परिषद को लेके काउंसिल एक्ट, है ना, भारतीय क्या बोलते हैं उसको, भारत भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, पुलिस एक्ट 1861, है ना। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, ये बना 1861 के अंदर। फिर पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आए आगे, तो पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब हर जो उनके अधिकारी हैं उनको मंत्रालय दे दिया गया, तुम फाइनेंस सेक्रेटरी, तुम फलाना सेक्रेटरी, तुम फलाना सेक्रेटरी, ऐसे डिवाइड यहाँ पर आपको कर दिया, ठीक है। व्हाइट म्यूटिनी मतलब अंग्रेजों ने खुद ने, अंग्रेज के जो सैनिक है उन्होंने विद्रोह कर दिया, तो उसको व्हाइट म्यूटिनी बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीजें उनके समय पे यहाँ पर आपको हुई। अब देखो अब आते हैं डायरेक्ट इनके ऊपर क्या क्या चीजें हुई। तो जो डिक्लेरेशन आपको हुआ था, तो डिक्लेरेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जहां पर अंग्रेज शासन को कंटिन्यू किया, मतलब ब्रिटिश जो डायरेक्ट क्राउन रूल है उस क्राउन रूल को कंटिन्यू किया गया। अब जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया, इसके अंदर क्या हुआ कि पहले लॉर्ड जो कॉर्नवालिस है उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया था कि भाई वो अलग अलग कोर्ट उन्होंने बनाई। अब उन्होंने क्या करा कि जो अलग अलग कोर्ट थी ना, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट थी, सदर दीवानी, सदर निजामत अदालत थी, उन चीजों को उन्होंने आपको खत्म कर दिया और इन सब के जो शक्तियां हैं वो दे दी उन्होंने हाई कोर्ट को। तो भारत में पहली बार जो है वो हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, तीन जगह पे उन्होंने हाई कोर्ट बनाई, हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया। सबसे पहला हाई कोर्ट बना आपके कलकत्ता के अंदर, उसको कहा जाता है तो फोर्ट विलियम कोर्ट कहा जाता है। तो फर्स्ट हाई कोर्ट जो है कहां पर बना, 1861 के कानून के अंतर्गत। अब देखो हायरार्की, सुप्रीम कोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है, सबसे पहले हाई कोर्ट यहाँ पर आपको बना 1861 के कानून में। तो 1 जुलाई 1862 को हाई कोर्ट बना। सर आपके बैंस पिकॉक हैं, ये फैक्ट लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, फैक्ट नोट डाउन कर रहे हो ना? कौन नहीं लिख रहा? मेघा तुम लिख रही हो? चलो फोटो खींच के एक बार भेजो व्हाट्सएप पे फट से। तुम लिख रही होंगे तो सब लिख रहे होंगे। पुतिन लिख रहा है? हाँ मेघा सोनी। कितनी मेघा सोनी क्लास में? इंजीनियर मेघा सोनी उर्फ पुतिन। चलिए तो उन्होंने ये खत्म कर दिया। सर बैंस पिकॉक, ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। उसके बाद इंडियन जज आगे जाके शंभुनाथ पंडित है, तो शंभुनाथ पंडित ही वाज द फर्स्ट इंडियन जज, पहले भारतीय जज यहाँ पर आपको बने। फिर पहली हो गई कलकत्ता में, दूसरा कोर्ट बना बॉम्बे में और तीसरा बना यहाँ पर आपको मद्रास में। तो तीन हाई कोर्ट बनाए। चौथा हाई कोर्ट जो है वो बनता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, है ना, मतलब आगरा के अंदर। तो वो जो चौथा हाई कोर्ट है, चौथा हाई कोर्ट बनाया गया आपके आगरा के अंदर, और बाद में इस हाई कोर्ट को अलाहाबाद के अंदर आपको शिफ्ट कर दिया गया। तो फर्स्ट हाई कोर्ट, फोर्थ हाई कोर्ट आगरा के अंदर था। अब आगरा, अब देखो ऐसा मतलब ऐसा हुआ था पहले कि ब्रिटिशर्स की चौथी जो प्रेसिडेंसी थी वो एक्चुअली आगरा बनने वाली थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने खत्म कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। और फिर इलाहाबाद के अंदर जो है, इलाहाबाद के अंदर उन्होंने जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने इलाहाबाद के अंदर आपको किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कानून याद रखना, जो इनके टाइम पर, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर आपको आया था, ठीक है। उसके बाद एक वहाबी मूवमेंट यहाँ पर आपको हुआ, एक मिनट यार। एक मिनट, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट आपको एस्टैब्लिश हुआ, उसका एक इवेंट हुआ, इट्स कॉल्ड द वहाबी मूवमेंट। अब वहाबी मूवमेंट हुआ कि वहां पे जो वहाब्स थे, वहाब्स मतलब एक तरीके से अभी जो ये है ना, जैसे ISIS वगैरह हो गए, तो ये तमाम लोग जो है ये सब वहाब करके एक संत हुआ करते थे, अब्दुल वहाब उनका नाम था। ही वॉज, आप बोल सकते हो कि उन्होंने ऐसे रिवोल्यूशन वगैरह करने की बात की, तो उन्हीं के नाम से वहाबी मूवमेंट यहाँ पे हुआ। और इसके अंदर स्पेशली जो सैयद अहमद राय बरेलवी के, मतलब उनको बरेलवी का अहमद कहा जाता है, तो इन्होंने यहाँ पर आपको रिवोल्ट आपको किया। इनका बोलना था कि धीरे धीरे जो इंडिया है इसके अंदर, जब एक तरह से वो अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट आपको था, तो बोलते कि धीरे धीरे जो है वो इंडिया अंग्रेजों के कैप्चर में आ चुका है, इसको फिर से जो एक इस्लामिक स्टेट है फिर से यहाँ पे बनाना है। तो उस समय पे यहाँ के जो वहाब्स के लोग थे, वहाँ के जो मुस्लिम्स थे आपके बरेली और आसपास के, इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आपको रिवोल्ट कर, जिसको बरेली रिवोल्ट आपको वहाबी मूवमेंट कहा जाता है। अब इनका बोलना था कि इंडिया बिकम द दारुल हर्ब, दारुल हर्ब मतलब एक तरीके से वॉर और युद्ध का क्षेत्र बन गया, इसको दारुल इस्लाम बनाना है, मतलब द लैंड ऑफ इस्लाम यहाँ पे बनाना है। तो उसके लिए उन्होंने वहाब मूवमेंट यहाँ पर किया। खैर अंग्रेजों ने उसको इजीली यहाँ पर आपको दबा दिया। अरे भेजो ना मेघा सोनी, तू भेज शशांक, कौन से नोट्स बना रहा तू देखूं मैं जरा। ठीक है,
तो ये कुछ चीजें इनके टाइम पर हुई। हाँ, उसके अलावा अलग से बजट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के लिए अलग से एक बजट बनाया गया, अलग से बजट फॉर्म किया गया कि ये भारत के अलग से बजट सिस्टम है कि उसके ऊपर लोग वोट डाल सकते हैं। उसके बाद इंपीरियल सिविल सर्विस ICS यहाँ पर आपको आया। उसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम, मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या हुआ कि पोर्टफोलियो सिस्टम में हर व्यक्ति को अलग अलग मंत्रालय दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कोई होम मिनिस्ट्री होम सेक्रेटरी है तो होम सेक्रेटरी को होम डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को फाइनेंस डिपार्टमेंट, किसी वजह से अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए। फिर आपका ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये आपको हुई, नहीं इसके पहले के, नहीं ऐसा नहीं होता, इसके पहले के भेजो। अच्छा नहीं हूँ मैं, टीचर हूँ मैं। ठीक है, तो ये उस समय हुआ, पुलिस एक्ट आया जहाँ पे पुलिस के तमाम जो पावर्स है, शक्तियां हैं, वो शक्तियां यहाँ पर आपको दी गई। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको याद रखना। ओके, उसके बाद स्पेशली जो ये दो चीजें हुई, हाईकोर्ट एक्ट आया, तो हाईकोर्ट एक्ट आया 1861 में, और उस समय पे ये रिटायर हो चुके थे। मतलब जब एक्चुअली जो कानून आया, तो कानून के टाइम पर तो एल्गो थे आपके, कैनिंग थे, लेकिन जब एस्टैब्लिश हुई उस समय लॉर्ड एल्गिन यहाँ पर आपको आ गए, है ना। तो याद रखना है यहाँ पे वहाबी मूवमेंट उनके टाइम पर आपको हुआ, तो जब रिटायर हो गए उसके बाद आपको होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद अगले जो अधिकारी बने उनका नाम था सर जॉन लॉरेंस, तो सर जॉन लॉरेंस ही बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। अब देखो 1858 का जो कानून था उसमें इस क्लियरली आपको कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो अब गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया, तो एक तरह से वाइसराय का पद आपको आ गया। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझो, यहाँ पर दो अलग अलग पोस्ट आ गए, एक पोस्ट था वाइसराय का और एक पोस्ट हुआ करती थी गवर्नर जनरल की। अब आगे जाके हम लोग गवर्नर जनरल को जीजी लिखेंगे, वो जीजी वो, ठीक है। तो इनको हम लाके क्या आगे जीजी लिखेंगे, तो जब भी जीजी मैं बोलूंगा इसका मतलब गवर्नर जनरल होगा, थोड़ा टाइम बचाएंगे बोलने का, ठीक है। ओके, उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे, अब यहाँ पे दो अलग अलग पोस्ट हो गई, एक वाइसराय का पोस्ट अलग, गवर्नर जनरल का पोस्ट अलग हो गया। अब वाइसराय का काम क्या है कि जो इंडियन किंग्स हैं, भारतीय जो भी अलग अलग रियासतें हो गई, राजा वगैरह हो गया, उन राजाओं से एक तरीके से उनसे डील करना, उनसे संधि वगैरह जो हुई है उसको कंटिन्यू करना, तो इसके लिए स्पेशली जो है इसके लिए मत भेजो, कोई मत भेजो, ठीक है। तो बेटा मेघा पढ़ ले, क्लास में बैठी है तो लिख ले, कम से कम शॉर्ट नोट्स बना ले, तेरे भले के लिए पीडीएफ तो मिल जाएगी, ठीक है। तो वो जो वायसराय थे, तो उनका काम था जो राजा वगैरह है उनसे यहाँ पर आपको बातचीत करना या उनसे जो भी संधि हुई है उसको आगे कंटिन्यू करवाना, तो वो वायसराय का काम था। फिर बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो गवर्नर जनरल संभालता, बाकी पूरा प्रशासन गवर्नर जनरल संभालेगा एडमिनिस्ट्रेशन। अब कमाल की बात यह है कि इन दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति होता था। जब वो भारतीय राजाओं से डील करते थे तो उनको वायसराय कहा जाता था, और जब वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाता है। इट इज सेम लाइक कि जब हमारे उपराष्ट्रपति जब इधर राज्यसभा के उस पे बैठेंगे, राज्यसभा की जो गद्दी पे जब बैठेंगे, उसकी आसंदी पे बैठेंगे, तो उनको क्या कहा जाएगा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जब वो उपराष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उपराष्ट्रपति कहा जाएगा। तो एक व्यक्ति और दो अलग अलग पद यहाँ पे होगा। तो ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम इनके टाइम पर यहाँ पर आपको आया, इस सिस्टम को वो लोग लेके यहाँ पर आपको आया, ठीक है। चलिए उसके बाद हाँ उस ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो ये बड़ा चेंज उसके अंदर है। उसके बाद सर जॉन लॉरेंस जब यहाँ पर आपको गवर्नर जनरल आपको बने, तो इनके टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट जो एंग्लो भूटान वॉर है, एंग्लो भूटान वॉर हुआ, बेचारे भूटान के लोगों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, भूटान के लोगों पे आपको हमला करके वहां पर कैप्चर कर लिया। अब ये वहां से ट्रेड करना, व्यापार करना चाहते थे, तो वहां से उन्होंने व्यापार करना शुरू किया, और उसका बड़ा जो एरिया है भूटान का, बंगाल और आसपास का रीजन, भूटान का एक बड़ा एरिया अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया। उसके बाद इन्होंने ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने शिमला जो है इसको इंडिया का समर कैपिटल बनाया इन 1863 में, कि भैया हमको बड़ी गर्मी लगती है, तो उन्होंने शिमला को भारत के समर कैपिटल बनाया। ये जितने भी अंग्रेज लोग हैं, भारत की गर्मी इनसे सहन नहीं होती थी। अभी जो चल रहा है ना अप्रैल मई का महीना,
अप्रैल मई जून के महीने भी ये सब चले जाते थे, शिमला कहीं, पचमढ़ी कहीं, नैनीताल कहीं, मसूरी। तो ये जितने भी बड़े बड़े जो अभी के टाइम पर आप हिल स्टेशन देख रहे हो, ये हिल स्टेशन जो है, ये हिल स्टेशन उन्होंने उस समय एस्टेब्लिश किए ना। शिमला में कालका से लेकर शिमला तक उन्होंने ट्रेन चला दी। वो भारत की अभी जो इंडियन रेलवे है, इनको कोंकण रेलवे बनाने में पसीना आ गया। उस समय उन्होंने पहाड़ों को काट के रेलवे बना दिया। सेम मसूरी में ले जाना चाहते हैं रेल, लेकिन मसूरी में नहीं ले जा पाई ये लोग, है ना। दार्जिलिंग तक रेलवे उन्होंने आपको बना दी। तो जहां जहां भी हिल स्टेशन थे, जहां पे ऊंचा एरिया था, जहां पर ठंडा था, वहां हर जगह पहुंच गए। अपने इंडिया एमपी में पचमढ़ी में आपको पहुंच गए, बड़ा ठंडा आपको एरिया था, ठीक है। तो इन्होंने उनका समर कैपिटल बना दिया, क्योंकि गर्मी सहन होती नहीं इनसे, ये ठंडे प्रदेश के लोग हैं, यहाँ पर क्या ही होगी यहाँ पे गर्मी सहन। तो बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ यहाँ पर आपको हो गई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक टेनेंसी एक्ट लेके आए 1868 में। टेनेंसी एक्ट के अंदर जो किराएदारी कानून है, किराएदारी कानून लेके आए, जिसके अंतर्गत जो भी अंग्रेज अधिकारी हैं, मतलब जो भारतीय लोग हैं, उनका किराएदारी अधिनियम आपको आया। उसके बाद इनके टाइम पर एक फेमाइन कमीशन, बहुत बड़े लेवल पे फेमाइन या अकाल यहाँ पर आपको आता था। तो अकाल से निपटने के लिए इन्हें जो अकाल आयोग है, अकाल आयोग बनाया अंडर द सर हेनरी कैम्पबेल। तो इन्होंने अकाल आयोग बनाया और अकाल से यहाँ पर आपको निपटने के लिए। उसके बाद 1866 में सर जॉन लॉरेंस के टाइम पर कलकत्ता हाईकोर्ट है, कलकत्ता हाईकोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट आपको, इसकी स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद आते हैं